हाँ जी, सारे प्यार भाई, सत श्री अकाल, आदाब, नमस्कार। वाहिगुरु जी का खालसा, वाहिगुरु जी की फतेह। जी सर्व अकाल म्यूजिक सोसाइटी ऑफ कैलगरी, सर्व अकाल टीवी यूट्यूब चैनल पर थोड़ा सारे का बहुत बहुत स्वागत। इस दे नाल ही फेसबुक ते लाइव ते थोड़ा बहुत बहुत स्वागत, बहुत बहुत धन्यवाद कि तुसी हर रोज़ अपनी अपना टाइम कढ के इस प्रोग्राम नूं अपना प्यार दिंदे हो, अपनी ब्लैसिंग दिंदे हो। बहुत बहुत धन्यवाद है आप सारे का, बहुत बहुत शुक्रिया, बहुत बहुत धन्यवाद। अख्तर फकीर साहब, वालेकुम सलाम, बहुत बहुत शुक्रिया आपका। आप लोग बहुत प्यार के साथ आशीर्वाद दे रहे हैं, बहुत बहुत शुक्रिया जी। तो दोस्तों, सब तो पहले आप शुरू करते हैं बहुत ही प्यारे मैसेज, तो फिर आप आगे चलते हैं। नमस्कार, सत श्री अकाल, आदाब, गुड इवनिंग। माय नेम इज लिपिका। आई एम वेलकमिंग यू ऑल ऑन बिहाफ ऑफ सर्व अकाल म्यूजिक सोसाइटी ऑफ कैलगरी और सर्व अकाल टीवी। As you all know that Sarv Akaal has been promoting classical music for years after years. So my earnest request to all of you, please like our Facebook page and subscribe our YouTube channel. Once again, Namaskar. Hi, this is Sheetal with Sarv Akaal team. On behalf of Sarv Akaal team, we would like to introduce our Shabad Kirtan video coming up soon named Kirpa Karo Deen Ke Date. The voice has been given by Simranjeet Kaur from New Zealand and her team. We are thankful to her. We are also thankful to all the alliances all over the world, including India, Pakistan, UK, USA, and much more. We would like to thank you for watching us and supporting us during this time of pandemic. Thank you for watching us today, and I hope you all have a wonderful day. हेलो जी, सारे प्यार भरी सत श्री अकाल, दोबारा तो बहुत बहुत स्वागत, बहुत बहुत शुक्रिया। तुसी बड़े प्यार दे नाल टाइम कढ के इस प्रोग्राम नाल जुड़े हो। अज दे साडे जो आर्टिस्ट हन, विक्रम श्रीवास्तवा जी वोकल रिसाइटल वोकल दा प्रोग्राम है, अज आप जी दी सेवा दे विच हाजर रहेगा। ते इस दे नाल नाल जो भी सज्जन जुड़ रहे हन इस प्रोग्राम दे नाल, उन्हां दा बहुत बहुत धन्नवाद, बहुत बहुत शुक्रिया। तो जो शब्द आप अभी दोस्तों सुन रहे थे, ये प्रोग्राम ने ये जो आपकी सेवा में जुलाई 2 को ये प्रोग्राम आपके सामने आ रहा है। इस प्रोग्राम में जैसे पिछले समय में, पिछले साल डेढ़ साल से ये प्रोग्राम आपकी और हमारी सब की, पूरी दुनिया की मुश्किलात रही, मुश्किल का टाइम रहा। उस सारे मुश्किल के टाइम में हम लोगों ने बहुत कुछ खोया, किसी की फैमिली और किसी का भाई, किसी की बहन, बहुत सारी। तो हमने कोशिश की है कि एक दुआ है, एक अरदास है, एक प्रार्थना है उस मालिक के चरणों में। तो आपने देखा होगा कि वीडियो की जो थीम, जो मेन टाइटल रखा गया है वो है कृपा करो दीन के दाते। तो उस मालिक के चरणों में, उस खुदा के, उस वाहिगुरु के, भगवान के चरणों में दुआ, अरदास, बेनती है, प्रार्थना है कि जिनके साथी बिछड़ चुके हैं, जा चुके हैं, उनको अपने चरणों में निवास बख्शिश करें। जो फैमिली अपने पूरी मुश्किलात से निकल के वापस अपनी इस दुनिया में ठीक ठाक होके आए हैं, उनके लिए भगवान और रास्ता आसान करे, अच्छा करे, भगवान की कृपा रहे। तो ये सारी एक जो वीडियो है, शब्द के रूप में हम सब मिलके अरदास, बेनती, दुआ करेंगे कि हे कृपा करो दीन के दाते, हे वाहिगुरु जी बख्शिश करो, और पूरा जो संसार है, पूरी जो दुनिया है, पूरे जो ब्रह्मांड है, इसके ऊपर अपना आशीर्वाद दें, ताकि हम लोग बड़े प्यार के साथ, बड़े चाव के साथ हर इंसान अपने अपने घर में खुशी मना सके। तो ये बहुत एक अच्छा उपराला, और इसमें हमारा जो साथ दिया है, हमारे बहुत सारे वॉलंटियर्स तकरीबन इस प्रोग्राम की, इस पूरे वीडियो को शूट करने में 1 महीने से ज्यादा हो गया है, जो लोग लगे हुए हैं दिल से, तन मन धन से सेवा करें इस प्रोग्राम में, इस प्रोजेक्ट में।
आर्टिस्टों का बहुत बड़ा हाथ है, हमारे बहुत सारे ऐसे सज्जन, और उससे ज्यादा हाथ हमारी जो बीबा सिमरनजीत कौर, पिछले काफी दिनों से लगातार वो इस प्रोग्राम में लगी हुई हैं, इस प्रोजेक्ट में लगी हुई हैं, और निरंतर तकरीबन मैं देख रहा हूं कि उसके हर रोज 10-11 घंटे आवर्स इस प्रोग्राम में लग रहे हैं, तो बहुत अच्छे से ये सेवा हो रही है। तो ये सारा प्रोजेक्ट आपके सामने एक आध दिन में हमारे पास पहुंच जाएगा। इस सारे प्रोग्राम को हम देखेंगे July 2 को, इसके साथ July 1 को जो कनाडा डे आ रहा है उसके लिए हम सब लोग इंतजार में हैं। आप सब लोग जानते हैं बड़ी प्यारी तबला नवाज रत्नाश्री, जो कि बहुत ही खूबसूरत, बहुत प्यारी तबला नवाज है, तबला वादिका है, तो उन्होंने हमारे कनाडा कंट्री के लिए, कनाडा के लिए जो कनाडा का नेशनल एंथम है, वो एक बहुत ही खूबसूरत वीडियो आपकी सेवा में हाजिर हो रहा है, और बहुत सारी जो मेहनत है उसकी रंग लाई है, और अच्छे एक ऐसा प्रोग्राम आपको देखने को मिलेगा कि अपने आप में कमाल होगा। इसी के साथ साथ हमने कोशिश की है अलग अलग इंस्ट्रूमेंट, आपने पीछे देखा होगा कि 10-12 आर्टिस्ट इकट्ठे होके एक ही नेशनल एंथम को गा रहे हैं या बजा रहे हैं। हमने कोशिश की है कि हर पहलू से हम लोग, अगर जैसे हमने 4 लोगों से एक ट्रम्पट पे, एक वायलन, एक फ्लूट पे, एक तबले पे नेशनल एंथम जो है कनाडा का वो बजाया गया है, तो हम चारों एंगलों से देख रहे हैं कि हर इंसान जहां भी बैठा है अपने देश के प्रति, अपने समाज के प्रति उसकी कुछ जिम्मेदारियां हैं, तो उसको निभाते हुए अलग अलग, कोई कहां से बैठा अपने देश के लिए कुछ कर रहा है, कोई किसी साइड से बैठा कुछ कर रहा है, तो हमने चारों दिशाओं से ये चीज सोची है कि अपने अपने नजरिए से आर्टिस्ट इसको देखे और नेशनल एंथम को आपके लिए प्ले करे बहुत अच्छे से। और हमारे जो आर्टिस्ट हैं वो शायद हमारे साथ जुड़े थे, लेकिन आई डोंट नो कि वो उनका वाईफाई की कोई प्रॉब्लम आई है, क्या हुआ है, तो डिस्कनेक्ट हो चुके हैं। आज के हमारे जो आर्टिस्ट हैं उनका नाम है श्री विक्रम श्रीवास्तव, इंडियन क्लासिकल म्यूजिक वोकलिस्ट हैं, जयपुर राजस्थान से हैं, तो बहुत ही प्यारा वोकल गाने वाली शख्सियत है। हम उम्मीद करते हैं कि अगर मेरी आवाज़ को वो सुन रहे हों तो दोबारा से जुड़ने की कोशिश करें, बहुत बहुत धन्यवाद। तो ये सारा प्रोग्राम आपके सामने आने वाला है, हम लोग पूरी उम्मीद के साथ, पूरे दिल के साथ, पूरी श्रद्धा के साथ, सभी वॉलंटियर्स कनाडा में हों, US में हों, वैनकूवर में हों, कहाँ भी हों, इंडिया में सबसे ज्यादा काम इंडिया के जो वॉलंटियर सेवा करें उनका बहुत बड़ा योगदान है। तो हम उम्मीद करते हैं कि आपको ये सारा जो प्रोग्राम आने वाले दिनों में आपके सामने आ रहा है बहुत अच्छे से होगा। तो इसके साथ साथ दोस्तों, एक जो हमारा मेन प्रोग्राम है ICMF इंडियन क्लासिकल म्यूजिक फेस्टिवल 2021 September 17, 18, 19 and 20 को होने जा रहा है। इस प्रोग्राम में बहुत प्यारे प्यारे आर्टिस्ट हाजिर रहेंगे, इस प्रोग्राम को खूबसूरत बनाने में बहुत बड़ा योगदान रहेगा उनका, और एक से बढ़कर एक जो आर्टिस्ट हैं इस प्रोग्राम का हिस्सा रहेंगे। और इसके साथ साथ 4 दिन का तो ये मेन प्रोग्राम रहेगा, लेकिन हम लोग एक कोशिश कर रहे हैं कि क्यों ना इस प्रोग्राम को September 1 से लेके September 30 तक लगातार मनाया जाए, और हर रोज आपको एक से बढ़कर एक आर्टिस्ट सुनने को मिले, देखने को मिले, वो बेशक डांस में हो, बेशक वोकल में हो या इंस्ट्रूमेंट में, तो अच्छे से अच्छे आर्टिस्ट आपको सुनने को देखने को मिलेंगे। तो ये हुआ 4 दिन का प्रोग्राम और 1 महीने का प्रोग्राम। इसके साथ साथ हम लोग July 4 को एक प्रोग्राम करने जा रहे हैं। आप सबको पता है कि बहुत ही कमाल की हस्ती पंडित पद्म भूषण पंडित बिरजू महाराज जी, जो कि पंडित देवू चौधरी जी,
इस संसार में बहुत ही कमाल का कार्य करके इस दुनिया से कोविड का जो पीछे प्रॉब्लम रही है वो चले गए, लेकिन बदकिस्मती ये रही कि वो तो गए गए, साथ में उनका बेटा श्री प्रतीक चौधरी जी वो भी चले गए। तो उनकी याद में हमने एक प्रोग्राम रखा है, उम्मीद है आप सबको प्रोग्राम पसंद आएगा और हम लोग सारे मिलके, आप लोग, हम लोग ये नहीं देख रहे कि हम लोग सिर्फ पंडित देबू चौधरी जी को या प्रतीक चौधरी को श्रद्धांजलि दे रहे हैं, हम उन सभी जो लोग इस दुनिया से गए हैं पिछले इन दिनों में, हम उन सबको ही याद करके उनके लिए दुआ बेनती अरदास करेंगे सारे मिलके कि भगवान उनकी आत्मा को शांति बख्शिश करें। तो एक प्रोग्राम बहुत अच्छा रखा गया है जिसमें श्री उमा शंकर जी, जो कि बहुत प्यारे जो सितार प्लेयर हैं, पंडित देबू चौधरी जी की ही स्टूडेंट है, तो वो इस प्रोग्राम को आपके सामने प्ले करेंगे सितार वादन। और एक ऐसा प्रोग्राम रहेगा जिनके साथ तबला पे संगत बहुत प्यारे तबला नवाज श्री सिद्धार्थ चैटर्जी जी रहेंगे, तो ये प्रोग्राम भी आपको बहुत खूबसूरत देखने को मिलेगा। और उम्मीद है कि आप सर्वकाल यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब कर दिया होगा आपने या करने जा रहे होंगे, तो अपने सभी फ्रेंड सर्कल में भी ये बात जरूर कहिएगा कि एक संस्था के लिए जहाँ पे इतने लोग वॉलंटियर वर्क कर रहे हों, तो हम लोग किसी बिजनेस वालों में तो है नहीं कि पैसे डाल डाल के यूट्यूब चैनल को बूस्ट करवाते रहेंगे, हम लोग तो सिर्फ सारे वॉलंटियर वर्क करते हैं। तो हम लोग उम्मीद करते हैं कि आप सब लोग इसमें अपना अपनी जो योग्यता है, जो जितना भी आप योगदान डाल सकें, कोई शेयर कर रहा है, कोई उसको लाइक कर रहा है, ताकि संस्था को जो सपोर्ट करने वाले लोग हैं उनको ये चीज लगे कि हाँ नहीं ये काम अच्छा हो रहा है, तो हम लोग और बढ़ चढ़ कर इसको आगे लेके जाएं। और हम लोग एक ऐसे समय से गुजर रहे हैं जिस समय में हमें एक दूसरे का जो सहारा है, एक दूसरे के साथी बन के हम लोग मिलके अगर काम करेंगे तो अच्छा होगा। तो इसके साथ ही जितने भी हमारे सज्जन, हमारी बहनें, हमारे बहुत सारे प्यारे प्यारे सज्जन जुड़े हुए हैं, उनका थैंक्स करते चलते हैं। हमारे साथ जैसे मैडम रजनी राव जी, बहुत बहुत शुक्रिया मैडम रजनी राव जी, आपका आशीर्वाद मिला, आप बड़े प्यार के साथ जुड़े हो, बहुत बहुत धन्यवाद। पैसा भाई परमिंदर सिंह जी खालसा, शुभांगी डिसूजा बहन जी, बहुत बहुत शुक्रिया आपका। पिंकी कौल जी नमस्कार बहन जी, बहुत बहुत धन्यवाद। डॉक्टर समता शर्मा जी आपका भी बहुत बहुत शुक्रिया, बहुत बहुत धन्यवाद। तो हम मैडम ज्योति जोशी जी, देखिए हम लोग बात कर रहे थे अभी जो मुश्किल का समय गुजरा है, तो हमारे ज्योति जोशी बहन के घर पे भी ये प्रॉब्लम आई, लेकिन समय है, समय चलता रहता है। तो इसके साथ ही हम लोग और कुछ नहीं कर सकते, लेकिन हम लोग वो जो लोग बिछड़ चुके हैं तो उनके लिए रोने की बजाय हम लोग ऐसे काम करें, बजाय कि हम लोग ये सोचते रहे नेगेटिविटी में जाएं, अच्छे काम करेंगे तो जो लोग हमारे साथी गए हैं उनको भी खुशी होगी, तो वो भी इस चीज से आनंदमयी महसूस करेंगे और जहां भी रहेंगे वो अच्छे से ही भगवान उनको रखेंगे। और हम लोग अंकिता शाह जी, क्या बात है, बहुत बहुत शुक्रिया अंकिता जी, बहुत बहुत धन्यवाद। गुरविंदर सिंह जी जुड़ चुके हैं, गुरविंदर सिंह जी को मैं रिक्वेस्ट करूंगा कि आज के जो आर्टिस्ट हमारे साथ जुड़े थे लेकिन वो डिस्कनेक्ट हो गए, उनको अगर वो कह सकते हैं कि दोबारा जुड़े, तो वो लिंक उनको सेंड किया हुआ है लेकिन वो जुड़े नहीं हैं, अगर वो जुड़ सके तो बहुत अच्छी बात है जी। तो बहुत बहुत हाँ बिल्कुल जी, थैंक यू। हमारे एक फेसबुक यूजर हैं, उनकी आईडी शो नहीं हो रही लेकिन उन्होंने लिखा है नानक नाम चढ़दी कला तेरे पाणे सर्वत दा भला, तो बहुत अच्छी बात है, हम सब साथी बन के एक दूसरे के चढ़दी कला में जाएं। तो हमारे शुभांगी डिसूजा जी बहुत बहुत शुक्रिया, पिंकी कौल जी बहुत बहुत शुक्रिया आपका, ज्योति जोशी बहन बहुत बहुत धन्यवाद। तो हम लोग एक दूसरे के साथी बन के एक दूसरे को अच्छा मैसेज दे के बहुत कुछ आगे कर सकते हैं, तो उम्मीद है कि ये सारा कुछ जो भी होगा अच्छा होगा, भगवान कृपा ही रखेंगे सबके ऊपर। तो हम लोग ये तो पक्का है, ये जो कोरोना काल का जो टाइम गुजरा है,
प्रतीक चौधरी जी दे बेटे नूं किसे नूं जी बिल्कुल हम कोशिश करेंगे कि जिस दिन जुलाई 4th को हम लोग उनकी याद को मनाने जा रहे हैं श्रद्धांजलि के तौर पे, तो ट्राई करेंगे कि उनका अगर बेटा भी साथ में जुड़ सके तो जरूर कोशिश करेंगे। अगर ना भी हुआ तो हम लोग कोशिश करेंगे कि वहीं पे इंडिया में ही दिल्ली में ही जाके उनसे बातचीत करके कुछ प्रोग्राम बना सकें। तो कोशिश हमारी सबकी है कि जो एक अच्छा आर्टिस्ट इस दुनिया से छोटा तो नहीं बहुत बड़े, आप मैंने पंडित जी को सुना है सामने बैठ के, पंडित देवी चौधरी जी को, वो तो अपने आप में एक कमाल की हस्ती थी, और उनके बेटे श्री प्रतीक चौधरी जी। मैं आपको एक किस्सा सुनाता हूँ कि आज से 2 साल पहले उन्होंने मेरे को फोन किया तो कहा हरजीत भाई कि हम लोग आपके पास ICMF में आना चाहते हैं। तो मैंने उनको यही बात कही थी कि हम लोग कोशिश करेंगे कि बहुत जल्दी आपको बुलाएं। तो जब उन्होंने कहा कि मैं श्री पंडित जी पंडित देवू चौधरी जी का बेटा हूं, तो फिर मैंने मुझे और भी खुशी हुई। तो मैं उनसे कह रहा था कि अगर समा मिला तो हो सकता है पंडित जी के भी दर्शन करेंगे, लेकिन भगवान को कुछ और मंजूर था तो वो तो नहीं हो सका। लेकिन हम लोग कोशिश करेंगे कि जो उनकी परिवार की फैमिली है, क्योंकि पंडित जी ने अपनी परिवार को जो शिक्षा दी है वो बड़ी कमाल की, और मैंने उनके ही शिष्य हैं जो श्री उमा शंकर जी, उनको सुना है वाह कमाल ऐसे ऐसे काम वो कर रहे हैं सितार में, बहुत ही प्यारे, तो बहुत अच्छा काम वो कर रहे हैं। तो हमने अख्तर फकीर साहब बहुत बहुत शुक्रिया आपका, हमने बहुत बार शेखावत हजूर जी से बात की है लेकिन अभी तक हमें टाइम नहीं मिला, तो हम लोग कोशिश जरूर करेंगे उनको, लेकिन इतना भी नहीं है कि हम लोग बार बार उनको उनको फोन कर करके उन अपना टाइम खराब करें या उनका भी टाइम खराब करें। तो बहुत बार, एक बार या 10 मेरे ख्याल 10 बार 20 बार से ज्यादा हो चुका है, तो हम लोग इतना नहीं करेंगे कि इस चीज को आगे लेके जाएं, क्योंकि ये कला है। तो अगर कलाकार आर्टिस्ट जो है उसके पास इतना टाइम नहीं है, तो जो वॉलंटियर वर्क करने वाले लोग हैं उनके पास भी इतना टाइम नहीं होता कि वो उनके पीछे जा जाके उनसे ऐसे काम करवाते रहे कि तरले रहे, क्योंकि ये तरले देने वाला काम नहीं है, सेवा का। और हमारे एक चीज बहुत कमाल की है, जितने भी गुरुजन आज तक हुए उनका जो योगदान रहा है संगीत में, वो जबरदस्ती का नहीं रहा, ना किसी से जबरदस्ती गवाया जा सकता है ना किसी से जबरदस्ती गाया जा सकता है। ये एक इश्क और प्यार की खेल है, इस प्यार के खेल में हम लोग, जैसे आप लोग प्यार करते हैं शेखावत हजूर साहब को, तो अगर आपकी दुआ कबूल हो गई तो जरूर आएंगे, तो भगवान कृपा करे, अल्लाह कृपा करे, जरूर वो दिन आ जाएगा, लेकिन कब आएगा ये मालिक जानता है। तो हम लोग कोशिश करेंगे, हमारे साथ जो आज के आर्टिस्ट हैं श्री विक्रम श्रीवास्तव जी, उनका लिंक दोबारा से जुड़े हैं, तो जैसे ही अपना उनका बिल्कुल हमारे साथ जुड़ चुके हैं, बहुत बहुत धन्यवाद करते हैं आप सब के बिहाफ पे। तो बिल्कुल जी, मैं मैडम रजनी राज जी, आपकी बात और सबकी बात बिल्कुल सही है, क्योंकि हम लोग किसी को जबरदस्ती गवाया नहीं जा सकता ना जबरदस्ती गाया जा सकता है। तो जब तक ये दोनों तरफ से एक ऐसा, बाकी टाइम के ऊपर होता है कि टाइम कब आएगा, जब टाइम आएगा तो वो काम हो ही जाना है। तो ये कृपा, जैसे आज हम लोग श्री विक्रम श्रीवास्तव जी का प्रोग्राम सुनेंगे, तो इससे पहले भी उनको यूट्यूब अपना सोशल मीडिया पे देखा लेकिन कभी बात नहीं हुई, लेकिन आज सीधे ही जब उनको सुनने का मौका आया, उनसे बात करने का मौका आया, तो अभी तक उनसे हेलो हाय भी नहीं हुई, तो सीधे देखो भगवान कहाँ मिला रहा है। तो ये उस मालिक की कृपा है, बख्शिश है। तो जब भी समा किसी भी आर्टिस्ट के साथ बनेगा बहुत अच्छा बनेगा, और हम लोग इसी उम्मीद के साथ काम कर रहे हैं कि इस चीज को इतने प्यार के साथ लोगों के सामने लेके आए कि जो आर्टिस्ट है उसको इतनी रिस्पेक्ट मिले, और जो लोग वॉलंटियर वर्क करते हैं सेवा करते हैं उनको भी लगे कि यार हाँ हमें ये काम करके बहुत आनंद आया। तो अपने आप में, तो
तो मैं पिछले एक महीने से हमारी संस्था के वॉलंटियर बहुत ज्यादा बिजी होने की वजह से मैंने देखा है कि किसी से ये नहीं सुना अभी तक कि वो टाइट हो गए या कुछ हो गया। तो हमारे साथ श्री विक्रम श्रीवास्तव जी जुड़ चुके हैं, तो हम लोग उम्मीद करते हैं कि वो हमारा जो प्रोग्राम है आज का, इसके साथ बातचीत जो करनी है उनसे। हेलो जी, बहुत बहुत धन्यवाद, बहुत बहुत शुक्रिया आपका, बहुत बहुत स्वागत है सर्वकाल टीवी यूट्यूब चैनल पे और फेसबुक लाइव पे। आइए, और हमारी बहुत सारी संगत जो आपकी वेट कर रही है, तो आइए और उन सब का दर्शन कीजिए और आप भी दर्शन दीजिए, क्योंकि जो वोकल और हमारा जो संगीत क्लासिकल म्यूजिक गाने वाले हैं वो सारे ही बहुत धन मतलब बहुत बड़ी हस्तियां हैं। तो हम लोग उम्मीद करते हैं कि आपने आज टाइम निकाला, सर्वकाल के इस ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पे आपने दर्शन दिए हैं, बहुत बहुत शुक्रिया। और आइए और अपनी जो हाजिरी है हमारे सभी दर्शकों के साथ लगवाइए, बहुत बहुत धन्यवाद जी। थैंक यू सर, थैंक यू जी। और सब ठीक ठाक जी? जी सर, सब बढ़िया, बहुत बढ़िया जी। हमारे साथ दोस्तों, मैंने जैसे पहले भी आपको कहा है कि आज के बहुत ही प्यारे आर्टिस्ट आप देखिए, श्री विक्रम श्रीवास्तव जी जो कि इंडियन क्लासिकल वोकलिस्ट हैं, जयपुर राजस्थान। तो जयपुर अपने आप में एक बड़ा प्यारा नाम है, पिंक सिटी। तो हम लोग आज गुलाबी रंग का जो गाना है, गुलाबी रंग की जो खुशबू है जयपुर सिटी की, उसके दर्शन करेंगे। और सबसे बड़ी बात कि राजस्थान का जो गाना है वो अपने आप में बाकमाल, मैं बहुत बड़ा फैन हूँ राजस्थान के गाने का। तो उम्मीद करते हैं हमें कुछ ना कुछ जी कुछ ना कुछ जो बातचीत में भी गुनगुनाने का कुछ आनंदमयी जो चीज है वो सुनने को मिलेगी। तो सबसे पहले विक्रम जी, थोड़ा सा अपने बचपन के बारे में, माता पिता के बारे में अगर आप शेयर करेंगे बड़ी खुशी होगी, अगर उनके नाम भी बताएंगे तो और भी खुशी होगी। अपने माता पिता के कहां से ये यात्रा कहां से शुरू हुई? सर, यात्रा बचपन से शुरू हुई, जब मैं बहुत छोटा था तो उस जमाने में सरफरोश पिक्चर रिलीज हुई थी आमिर खान साहब की, तो उसमें जगजीत सिंह जी की जी गजल थी, तो होश वालों को खबर क्या, तो ये संगीत वो गजल सुनी और फिर वो गजल मेरा एक पहला म्यूजिक स्कूल बनी, तो वहां से संगीत के प्रति रुझान मेरा हुआ। लेकिन उस समय सर ये था क्योंकि अच्छे मतलब मेरा ऐसे शास्त्रीय संगीत की तरफ तो सर मतलब रुझान अभी हाल ही में ही हुआ है, 5 से 6 साल हुए मुझे। लेकिन अच्छा, क्योंकि बॉलीवुड जी सुगम संगीत की ओर ज्यादा था, ऐसा प्रॉपर बॉलीवुड नहीं था कि, लेकिन हाँ अच्छे आर्टिस्ट लोगों को मैं सुनना ज्यादा पसंद करता था, जैसे शंकर महादेवन जी हुए, एआर रहमान साहब हुए, उनकी जो रचनाएं हैं, या और जो पुराने जो क्लासिक्स जो हैं 70s 60s और उस जमाने के जो हमारे मदर फादर के, तो बहुत अच्छा मतलब लगता था। और क्योंकि दूरदर्शन चल रहा था तो एक समझ वो आ गई थी कि कौन सा कंटेंट मेरे को क्या दे सकता है, तो वो मैं वहां से फिर वो मेरा जो जैसे मेरा म्यूजिक सिस्टम जो था पहला वो और वो गजल और जो दूरदर्शन पे जो हम उस्ताद जाकिर हुसैन की जो वीडियोस हम जो शो होते थे उनके जी, तो जी, वो जी। बड़ा एक फैसिनेटिंग था कि ये है क्या चीज, तो वही बड़ा मजेदार है म्यूजिक। तो फिर मेरा पढ़ाई में कभी ऐसा मन लगा नहीं, लेकिन हाँ संगीत की तरफ हमेशा मेरा वो था। क्या बात है, बहुत खूब जी, बहुत। आपने एक बड़ी प्यारी बात कही कि एक गजल ने आपको इस तरफ संगीत की तरफ लेके आई, और आप सब लोग जानते हैं एक बहुत प्यारी हमारे हिंदुस्तान का एक बहुत बड़ा नाम संगीत मार्तन पंडित जसराज जी, तो आप सबको पता है कि हाँ उनको एक गजल बड़ी पसंद थी, दीवाना बनाना है दीवाना बना दे। जी जी, तो मेरी सबसे फेवरेट आर्टिस्ट हैं बेगम अख्तर जी, मैं तो उनका जब भी सुनता हूँ और रोंगटे खड़े हो जाते हैं। लोग कहते हैं कि बातचीत चल रही है संगीत की मजे की, तो बात करते हैं, लोग कहते हैं कि कैरवा दादरा बड़ा सीधा है बजाना और नहीं बहुत है, नहीं है। तो अगर आपको सुनना ही है ना कैरवा दादरा, तो कभी मैडम बेगम परवीन सुल्ताना जी को सॉरी बेगम अख्तर जी को सुनिए, पता चलता है कि दादरा कैसे बजाया जाता है, कैरवा कैसे गाया जा सकता है।
बहुत बिल्कुल टफ। और बिल्कुल मैं तो कई बार ये हम लोग बैठे यहाँ बात करते हैं कि यार वो धन थे लोग जो बेगम जी के साथ तबला बजाते थे और ऐसा ऐसा बिल्कुल काम कर जाती थी, मतलब ख्याल बना जाती थी गजल को, तो ये उन लोगों बिल्कुल का बहुत बिल्कुल बड़ा, तो बड़ी खुशी हुई एक जी ऐसी शख्सियत से मिलकर। विक्रम जी नाम भी उनका बड़ा प्यारा है, तो जी विक्रम जी थैंक यू से बात दूसरी ये भी हुई कि उनका जो प्यार है गजल के साथ है, तो क्यों ना विक्रम जी आज ख्याल का तो अपना आनंद लेंगे ही, बाद में क्यों ना कुछ गुनगुना दिया जाए जी ताकि कुछ आइडिया लोगों को पता चले कि आज जो बातचीत है क्लासिकल की नहीं, इसके साथ साथ थोड़ा सा रंगत जो लाइट क्लासिकल सेमी क्लासिकल है उसका भी आनंद लिया जा जी जरूर सकता है। तो जरूर ताकि जरूर जी, तो कुछ अगर आपका जो दिल करे। जरूर जरूर सर। पहले तो मैं अहमद फराज साहब की बहुत सबने हम सबने सुनी है, और राग यमन में रंजिश ही सही से शुरू करूंगा। हाँ हाँ क्या बात है। जी 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 रंजिश ही सही, दिल ही दुखाने लिए आ है, रंजिश ही सही। आखिर से मुझे छोड़ के जाने के लिए आ है, रंजिश ही सही। किस को बताएंगे जुदाई का सबब हम, किस को बताएंगे जुदाई का सबब हम। तू मुझसे खफा है तो जमाने के लिए आ है, रंजिश ही सही, दिल ही दुखाने के लिए आ है, रंजिश ही सही। वाह जी वाह, जी क्या सर बात है। जी, बहुत बहुत खूब जी विक्रम जी, बहुत प्यार से गाया आपने। दोस्तों थैंक हम यू सर आप सब लोग जानते हैं कि एक वो नाम जिसको जैसे हमने पीछे नाम दिया है मैडम बेगम अख्तर जी का, तो उनका बहुत रिस्पेक्ट से नाम लिया जाता है। और उसी के साथ साथ हम लोग अगर बात करें तो खान साहब उस्ताद मेहंदी हसन खान साहब, जिनको जी जी ये गजल बहुत बार सुनी, तो आई थिंक मेरे ख्याल कई लोग तो ऐसे होंगे जो जिनका सुबह भी इस गजल के साथ तो और शाम भी इस गजल के साथ होती है। ऐसे लोग भी मैंने देखे जो हमेशा बिल्कुल उनके जिंदगी में ये गजल बहुत मायने रखती है। और बड़ी खुशी की बात है कि मेरे को खान साहब के बेटे हमारे यहाँ कैलगरी कई बार आते रहते हैं, तो जब भी वो आते हैं तो उनसे जी ये गजल सुनने को मिलती रहती है। तो मैं एक बार उनसे ऐसे बातचीत हो रही थी, तो ऐसे ही दोस्तों कई बार ना तमाशा भी हो जाता है। तो मैं विक्रम जी, आप भी हंसेंगे और आपको भी हैरानगी होगी कि मैं थोड़ा सा स्ट्रेट फॉरवर्ड हूँ। तो क्या हुआ कोई कि बात एक नहीं सर एक एक बार हमारे एक टोरंटो से एक आर्टिस्ट आए हमारे कैलगरी में, तो जी मेरे को उन्होंने कहा कि आपने तबला बजाना है जी, हमारे पास कोई तबला वाला नहीं है, अगर आपके पास टाइम है। तो जी मैंने कहा चलो मैं भी आ जाऊंगा, अगर प्यार के साथ आप कह रहे तो मैं टाइम निकाल के आता हूँ। मैं चला गया जी वहां पे। जी तो दोस्तों एक कुछ शब्द बोलने से पहले हम लोग कई बार क्यों जो एमसी होते हैं या कुछ स्टेज पे बोलने वाले होते हैं उनके लिए भी ये सबक भी है, और उनके लिए बोलना बहुत सोच समझ के बोलना चाहिए, हम लोग ऐसे कहते हैं। तो उन्होंने कहा कि जो आर्टिस्ट आपके सामने ये गजल गाने जा रहे हैं, अगर उनको ये कहा जाए कि वो मेहंदी हसन खान साहब की कॉपी हैं, तो ये कोई बड़ी बात नहीं होगी, सेम यही है कि वो कॉपी ही है, ऐसे तरीके से उन्होंने बोला। जी तो जब उन्होंने ये गजल शुरू की तो मेरे अंदर का सरदार जाग गया। तो मैंने कहा खान जी साहब ये बात यहीं बंद कर दीजिए,
कि आप जिस तरीके से आपकी इंट्रोडक्शन इन्होंने दी है तो वो बात सही नहीं है, तो मैंने वही तबला बंद किया। तो मैंने कहा जी पहले आप सीखिए, 20-25 साल जाके सीखो तो फिर इस गजल को गाओ। तो इस तरीके से ये हुई, और मेरे साथ दो वाक्य हुए ऐसे। और इस बात के आर्टिस्ट जितने भी हैं, मैं उनको सबको कहता हूँ, आप जो भी गा रहे हैं बहुत अच्छा गा रहे हैं, लेकिन जो कई बार स्टेज पे लोग ये बात कहते हैं कि जो हम लोग मुकाबला करने जाते हैं, तो मुकाबला भी सोच समझ के करना चाहिए कि हम लोग कह दें कि बिल्कुल, ये तो लता जी हैं, ये तो रफी जी हैं, या ये तो हाँ मनाडे ये हैं, तो ये कभी नहीं हो। तो मेरे साथ सहमत होंगे विक्रम जी भी। विक्रम जी, आपको क्या लगता है कि जैसे हम लोग ये कह देते हैं कई बार, हम सुनते नहीं है, सिर्फ इसलिए कह देते हैं चलो हरजीत सिंह तो मेरा अपना है, कह देते हैं हरजीत सिंह जैसा कोई गा नहीं सकता, या विक्रम जी जैसा कोई गा नहीं सकता। तो आपका क्या ख्याल है कि ऐसे जो झूठे मतलब की बातें हैं किसी को कह के, बजाय कि उसको ये कहा जाए कि आप थोड़ा सा सीखे, या थोड़ा, तो आपका क्या ख्याल है, ऐसा होना चाहिए? सर बिल्कुल, इस तरह का होना तो पहली बात तो प्रोग्रामिंग लेवल पे ही नहीं होना चाहिए कि जहाँ पे इस तरह की बात की जाए कि ये फला आर्टिस्ट इसकी तरह है। बिकॉज एक जनरेशन का आप ये समझिए कि जो भी दर्शक देख रहे हैं वो, अब जैसे मैं अब कई लड़के आजकल मैं देख रहा हूँ जो बहुत अच्छा तान कर रहे हैं या बहुत वो कर जी रहे हैं, जी तो वो उनकी तुलना सीधा भीमसेन जी से कर दी जाती है। तो ये बहुत ही जी डिजास्टर जी है। जी क्या बात है मतलब ये इज नॉट, बिल्कुल ही इज नॉट द जी, वन हु इज सपोज टू बी यू नो कंपेयर्ड बाय अस। ये उनके साथ इनजस्टिस हो रही है जिन्होंने बिल्कुल 18 18 घंटे इतना उन्होंने स्ट्रगल किया, गुरु नहीं मिला तो वो अपने एक, आप सबने सुना ही है कि वो घी का बहाना था, लड़ाई करके वो चले गए, जेल जी रह रह के वहां पंजाब पहुंचे, ध्रुपद सीखा, फिर वहां हरिवल्लम में कई साल संगत करी तानपुरे पे, और फिर जी वो जब ये विनायक राव पटवर्धन जी का जब गाना हुआ तो उन्होंने बताया कि बहुत बड़े गुरु वहां तुम्हारे घर के पास ही रहते, तुम यहाँ क्या कर रहे हो। तो अच्छा वो एक जी पूरा प्रोसेस है, और क्लासिकल म्यूजिक ही नहीं है, हर विधा का है। तो जी बिल्कुल ये बहुत ही, ये जैसे पिछली बार अभी एक हुआ था, ये रानू मंडल जी का केस हुआ था तो सोशल मीडिया में बड़ा वायरल हुआ। तो जी ये हमारे यहाँ लोगों को काफी हद तक तो कुछ घटनाएं ऐसी घटी हैं जिनसे समझ में आ गया है ये कि जी कंटेंट अच्छा क्या है और क्या हमें सुनना है क्या हमें नहीं सुनना है, ये थोड़ा बहुत अब जी क्राउड में समझ में आने लगा है, लेकिन काफी बिल्कुल आना बाकी है अभी। बाकी क्या ये बात मेरा है, बहुत कहना है इस अच्छे मामले में। जी, बहुत अच्छे। क्योंकि दोस्तों बिल्कुल सही बात है कि विक्रम जी आप भी कहेंगे कि बात कहाँ चलेगी, लेकिन हम लोग अगर बातचीत करेंगे, हो सकता है ऐसी बातचीत से मेरे जैसे को कुछ ना कुछ सीखने को मिल जाए। तो मैं भी जब अरे किसी को नहीं, कमेंट कर रहा हूँ तो कुछ इस तरीके से करें कि बजाय अगर कोई बच्चा आज गा रहा है, तो अगर वो थोड़ा गलत गा रहा है या बेसुरा गा रहा है या उसका तबला सही नहीं है, अगर आप उसको कहेंगे बेटा कि आप अच्छे तरीके से इसको इस तरीके से कर दो, तो मेरे ख्याल में ये कहने की बजाय कि यार आप जैसा तो कोई नहीं है, अगर आप ये कह देंगे कि बेटे आप इसको सही कर लो, तो वो जो आपने कहा है ना, जो सही कर लो वो पूरी जिंदगी उसके काम आएगी, तो उसको ये बिल्कुल बिल्कुल लगेगा। तो हम लोग बचपन बिल्कुल से ये चीज सुनते जा रहे हैं। तो मुझे लगता है कि विक्रम जी जो बात कर रहे थे, तो थोड़ा सा उस तरफ चलते हैं अभी। तो विक्रम जी, आप अपने माता पिता के बारे में जरूर बताइए कि कैसे आपका जरूर ये जरूर जो सिस्टम शुरू हुआ। सर। पेरेंट्स का काफी सपोर्ट रहा इसमें तो कोई दो राय नहीं है, कि जो हर घर में जैसे कहानी भी होती है इंडिया में जी और कि सपोर्ट नहीं मिलता अपना पैशन परस्यू करने के लिए, ये मैं मानता हूँ कि मैं बहुत खुशकिस्मत रहा। और क्या मेरा बात, सपोर्ट मतलब बचपन से ही था कि कभी ऐसा नहीं कि मतलब 3 इडियट्स मूवी देखने के बाद बदला हो, तो जी मतलब वो बचपन से ही रहा हमेशा, क्योंकि मेरे फादर हमेशा शौकिया गाने में रहे, कभी उन्होंने एज अ, क्योंकि उनके जमाने में वो माहौल था नहीं सर, वी कांट जी ब्लेम देम, जी क्योंकि वो उतने अवेन्यूज जानते नहीं थे ना इतने जरिए होते थे। आज फिर भी एक टीवी आ गया है, प्राइवेट चैनल आए, सब कुछ हुआ, तो जी अब मीडियम्स बन गए हैं। और सबसे बड़ी बात है पहले रेजिस्ट तो सब जैसा एक रिएक्शन होता है कि मुझे इंजीनियरिंग नहीं करनी है, मुझे गाने वाने ही आगे जाना है, तो जी उनका बहुत सपोर्ट रहा। ये रिस्क एक मेरा मेरे लिए तो था ही सर, लेकिन आज भी मतलब बहुत अच्छा लगता है कि
कि अपने पेरेंट्स की वजह से एक सपोर्ट होने से एक बच्चे को बहुत ज्यादा एक वो मिलता है, और ये हर पेरेंट अगर करे तो इंडिया की तस्वीर बदल सकती है सर रातों रात, ये मैं कहना चाहूंगा। क्या और बात है, मेरे बहुत सर क्योंकि सेल्स मार्क एंड मार्केटिंग जॉब में थे, तो वो एक वो था, और मदर मेरी क्वाइट फ्रॉम शी इज एजुकेटेड बैकग्राउंड, तो एजुकेशन भी काफी इसमें रोल प्ले करती है क्योंकि पेरेंट्स कैसे बिल्कुल आगे परस्यू कराते हैं। बिल्कुल क्योंकि आफ्टर ऑल मेरा ये मानना है कि देखिए कि बच्चे को आप ये शर्मा जी या पड़ोस वाले जो चतुर्वेदी जी हैं उनकी बात मत सुनिए, आप अपने बच्चे की सुनिए कि वो क्या करना चाह रहा है। क्या बात है, ये जो अब चलन है ये कहीं ना कहीं रोक लगनी चाहिए, इसलिए इसकी वजह से भी ये भी एक बहुत बड़ा एक कहावत है ना कि सबसे बड़ा रोग क्या कहेंगे लोग, तो वो रुकना ये बहुत जरूरी है कहीं ना कहीं, बिल्कुल तो उससे ये एक बदलाव जरूर आएगा, टाइम जरूर लेगा कोई भी चीज, लेकिन उसके आउटकम्स बहुत अच्छे आएंगे, ये जी बिल्कुल मैं कहना बहुत चाहूंगा। क्या बात है विक्रम जी, बहुत अच्छी बात। ये बात मेरे ख्याल में अगर मेरे जैसे बैठा कोई यहाँ बात करेगा तो वो बात शायद लोग नहीं सुनेंगे, लेकिन जो यंग, क्योंकि मेरे दाढ़ी भी अभी सफेद हो चुकी है, तो जो यंग बच्चे हैं, जो यंग आर्टिस्ट आर्टिस्ट हैं, उनकी बात ज्यादा सुनी जाएगी। इसलिए मैं यही बिल्कुल कहता हूँ कि अगर जितने भी यंग बच्चे हैं, तो लोग कहते हैं कि अक्सर ये बात कही जाती है कि नेगेटिविटी की तरफ हम लोग सोचते ज्यादा हैं, तो हम लोग ये कभी नहीं कहते कि जितने बच्चे, मैं अभी COVID-19 का जो पूरा टाइम पिछले 1.5-2 साल से चल रहा है, तो उसमें भी आप जी देखेंगे कि जितना आर्टिस्टों ने काम किया है, बाकमाल काम किया है, तो उसमें छोटे छोटे बच्चे, छोटे छोटे बच्चे इतना प्यार से वो परफॉर्मेंस देते रहे हैं अपने आप को लोगों के सामने। इसका मतलब बच्चे सही रास्ते पे जा रहे हैं, बस थोड़ी सी हमें उनको बिल्कुल गाइडलाइन अगर प्यार से देंगे ये, बिल्कुल। और अगर सबसे ये हाँ जी 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 विक्रम जी तो उसमें सर ये भी एक प्रोसेस है कि अपने ऊपर ट्रस्ट होना बहुत जरूरी है, क्योंकि क्या अभी जो इंडिया में जो एजुकेशन, क्योंकि मेरे घर में रहा है सर माहौल, क्योंकि जी टीचर्स रहे हैं तो स्कूलिंग और ये सब चीजें चलती रहती हैं डिस्कशन में, जी जी तो जी मैंने जो सर जो मैंने अपनी स्कूलिंग में सब नोटिस किया कि हमारे यहाँ स्कूल्स में टीचर्स को भी उतना ही क्वालिफाइड होना पड़ेगा, जो म्यूजिक के साथ जो ये कहा जा रहा है कि एक जो क्लास डिवाइड हो गया एकेडमिक्स वर्सेस एक्स्ट्रा करिकुलर, ये जी खत्म जी होना बहुत जरूरी है, तभी वो जी बच्चे में फिर जब क्या है कि आपका टीचर आपको डिमोटिवेट कर रहा है तो एक वो माहौल, उसमें बच्चे की गलती नहीं है, हम जी टैलेंट को नर्चर नहीं कर पा रहे, तो हमें ये लुकआउट करना है कि हमें उसके अंदर कैसे निकाल के जी क्या ऑडियंस के सामने उसको लेके आना है, बात, ये बिल्कुल मेरा सही बात, जी। बिल्कुल सही बात है। और और बच्चे हमें आपके जी प्रैक्टिकल जो जीवन है, अगर हम लोग प्रैक्टिकल भगवान के दर की भी बात करें, तो भगवान का दर भी यही कहता है, भगवान के रास्ते पे भी यही कहते हैं कि प्रैक्टिकल आ जाओ। तो अगर बिल्कुल बिल्कुल संसार की ये जो जिंदगी है, क्या इसमें प्रैक्टिकल नहीं होना चाहिए? ये तो हम लोग कहते हैं कि भगवान तक पहुंच जाएं, वहां प्रैक्टिकल दिल से करेंगे, राम राम तो फिर पहुंचेंगे। क्या जो हमारी स्टडी बिल्कुल है, तो इसमें प्रैक्टिकल जो हमें होना चाहिए नहीं होना चाहिए? होना चाहिए। तो दोनों ही रास्ते जी साफ सुथरे, अगर ये जीवन बिल्कुल है हमारा, दुनियादारी का जीवन है, इसको भी अच्छा बनाना है, तो हमें अपने आप को प्रैक्टिकल होना बहुत जरूरी है। तो जब तक हम लोग प्रैक्टिकली नहीं सोचेंगे, तो इसी तरह देखिए आपके सामने विक्रम जी हैं, अगर इन्होंने सोचा कि मैं वोकलिस्ट बनूंगा या बनना है, बनने जा रहा हूं, इनके माता पिता ने सोचा, तो ये अगर ये सोचते कि मैंने बनना वोकलिस्ट बनना है, तो लेकिन ये प्रैक्टिस तबले की करते रहे, तो वोकलिस्ट नहीं बन सकते, फिर तो तबला प्लेयर ही बनेंगे। तो वो चीज ही अपने जीवन में है कि अगर हमें सही रास्ते पे चलना है, तो बिल्कुल हमें चीजें सोचनी चाहिए। तो बड़ी अच्छी बात है कि आज हमें संगीत के साथ साथ और भी बहुत कुछ सीखने को मिलेगा जी, विक्रम जी के साथ। तो विक्रम जी, जी आपने माता पिता का जिक्र किया कि कैसे उन्होंने आपकी सपोर्ट की, तो पूरा सहयोग मिला घर से, तो फिर गुरु जो जी थे, आप स्कूल में आपने शिक्षा शुरू की संगीत सीखने की, या अलग से आपने कोई गुरु ढूंढा और उन गुरु के पास जाके आपने सीखना शुरू किया? सर देखिए गुरु की तलाश मेरी जद्दोजहद बचपन से ही चलती रही, लेकिन
कहीं ना कहीं जब भी मैं किसी म्यूजिक स्कूल को ज्वाइन करता था यार, वो एक या दो क्वार्टर्स में मुझे लग जाता था कि यार मुझे वो चीज नहीं मिल रही है जो मुझे एक अच्छा आर्टिस्ट बना पाएगी। क्योंकि जी मोस्टली क्या होता है कि आजकल जो इंस्टीट्यूट्स हो गए हैं, कई इंस्टीट्यूट्स बहुत अच्छा कर रहे हैं, लेकिन जो लोकल लेवल पे जो हो रहा है, जो जैसे हमें अपनी जयपुर की ही बात करूं तो एक सिखाने वाला जो गुरु है वो बहुत मुश्किल से मिलता है। और बहुत मतलब उसकी मतलब मैं 7th क्लास में मैंने एक इंस्टीट्यूट ज्वाइन किया, फिर वो पढ़ाई वढ़ाई के बीच में से मतलब रह गया, आप जानते हैं सर। तो जी उसके बाद फिर मैंने मतलब चलती रही पढ़ाई तो चलती रही, साथ में मैं थोड़ा बॉलीवुड सिंगिंग करता रहा, जैसा कॉलेज में कभी मौका मिल गया जी गाने का। तो जी जी प्रोफेशनली मैंने इसको आगे बढ़ाने का 2015 में मैंने इसको डिसाइड किया, 2014-15 में, कि अब ये मुझसे इंजीनियरिंग नहीं हो, मेरे बस की नहीं है। क्योंकि जी क्योंकि सर माहौल आप ये देखिए ना, कि एक आप ऑब्वियसली बात बताइए, सामने जब आई 5 IIT से क्वालिफाइड बंदे बैठे और एक मैं पहुंच जाऊं, तो लोग ऑब्वियसली प्रेफरेंस उसी को देंगे जो जी क्वालिटी जिसके अंदर है। तो मेरे मेरे को नजर आ गया था कि भाई मेरा तो म्यूजिक में ही होगा, और फिर मैंने कह दिया। और फिर सर ढूंढते ढूंढते फिर तलाश भी शुरू हुई, तो 1 साल तो मैं वहां गया, मतलब एक म्यूजिक इंस्टीट्यूट था बहुत छोटा सा। फिर उसके बाद 2015 नवंबर में पंडित राजन साजन मिश्रा जी जो हैं उनका कार्यक्रम हुआ, और राग नंद उन्होंने, आज भी याद है दिवाली गोवर्धन पूजा थी उस दिन सर, 14 नवंबर तारीख थी, और राग नंद उन्होंने सुनाया, उसके बाद कामोद सुनाया। और उन्होंने ये भी कहा कि नंद के बाद कामोद गाना बहुत ही चैलेंजिंग काम है, तो उनकी एक एक बात बड़ी आज भी याद रहती है, वो जो क्या सिखाते थे बात मतलब उन जी गायकी के साथ। तो जी वहीं से फिर मुझे लग गया कि मैंने कहा गाना बजाना हो तो ऐसा हो, वरना फिर छोड़ दिया जाए तो ज्यादा बेहतर है। तब क्या वहां बात से फिर मिसर मेरी असली स्ट्रगल शुरू हुई। पर वो वही है सर कि मतलब कहते हैं ना कि जो संघर्ष का वक्त है वो कहीं ना कहीं जल्दी कट जाता है। तो जी फिर मैं ऐसे ही करके, फिर मैं गवर्नमेंट स्कूल है यहाँ पे राजस्थान संगीत संस्थान, तो जी वहां मैं तबला सीखने गया। तो वहां पे ताल के लिए भी सर, क्योंकि मैंने तबला थोड़ा सीखना शुरू किया, क्योंकि मेरे को ये लगा कि जैसे ताल का विषय है तो मुझे उसको जी सीखना चाहिए, क्योंकि ताल तो पूरा तबले से ही उसका संबंध है और पखावज संबंध से, है तो जी भी वो बजाते ही आएगा वो मजा उसका तभी, वरना ऐसे खाली किताबों पढ़ने से नहीं आएगा। तो वो बिल्कुल मैंने बिल्कुल ज्वाइन किया, और वहां फिर मैंने अपने लेक्चरर से पूछा कि भाई मुझे वोकल के लिए कोई गुरु नहीं मिल रहा, तो आप मैं क्या करूं। तो पूरा गया सब जगह नहीं मिले, फिर मेरी मैम ने सजेस्ट किया कि तुम्हारे घर के पास ही कुंदनमल जी, मेरे गुरुजी का नाम है पंडित कुंदनमल शर्मा जी, तुम जी उनके पास क्यों नहीं जाते हो, वो राजन साजन मिश्रा जी के ही शागिर्द हैं और अच्छा तुम्हारे घर अच्छा के बिल्कुल पास हैं। तो अच्छा वो वही मतलब जयपुर में, वो जयपुर में, जी 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 जयपुर अच्छा में ही, अच्छा मुझे भी पता जी नहीं था, जी सॉरी। मैं काफी सालों से उनके साथ फेसबुक पे अटैच हूँ, उनकी पोस्टें मैं देखता ही रहता हूँ, जी 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 कई बार लाइक शेयर भी होती रहती है, लेकिन ये जी मुझे आज जी पता जी चला कि वो जगह, बहुत अच्छा लगा, भगवान कृपा करे, मेरी भी उनको नमस्कार बोलिएगा जब भी मिले थे, क्या बात है, जरूर बहुत जरूर अच्छा जरूर लगा, बहुत अच्छा लगा, बहुत ही प्यार के साथ, वो भी संगीत की बड़ी प्यारी प्यारी, जब फेसबुक पे सोशल मीडिया पे जी अच्छी अच्छी पोस्टें आती रहती है उनकी, तो उनके दर्शन खासतौर पे जब वो पंडित जी, पंडित राजन साजन जी के बारे में लिखते हैं या कुछ पिक्चर डालते हैं, जी तो क्योंकि आपका इश्क होता है ना कोई, तो मेरे जैसे इश्क में पंडित राजन जी हैं, साजन जी हैं, तो जी उनके प्रति जब भी कोई पिक्चर शेयर करे तो अपने आप को लगता है कि कुछ ना कुछ मिला है, दर्शन हुए हैं, तो बहुत जी अच्छे। जी विक्रम जी कंटिन्यू रखिए, बीच में जब उनका बिल्कुल नाम बिल्कुल मैंने सुना तो मुझे लगा कि ये उन्हीं पंडित जी कुंदनमाल जी की बात कर रहे हैं, जो जिनको मैं भी जानता हूँ पर जी 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 थैंक जी यू जी तो जी सर वहीं से फिर मेरी फिर जो है फिर मेरे को पता लगा, तो फिर 2016 हो चुका था नवंबर, तो अच्छा आप ये जी देखिए मतलब पूरा 1 साल कंप्लीट होने आ गया, और घर से भी अल्टीमेटम मुझे मिल चुका था कि भैया इस साल तुम देख लो, वरना फिर तो नौकरी के साथ ही करना है इसको। जी तो वो भी एक बड़ा धर्म संकट संकट से मुझे बचना था। तो फिर मैं भागा बिल्कुल, मैंने कहा अब तो टाइम ही नहीं है मैंने, और उस समय एक्चुअली मेरे साथ और ये प्रॉब्लम हो गई कि मैंने फीस पे कर दी थी। तो वो फिर अब ये भी टेंशन की मैं छोड़ने को तो जा रहा हूँ, लेकिन मुझे घर वाले नहीं रोक रहे, जी मतलब रोके कि भाई तुम वहां दे चुके तो 1 महीना मम्मी, मैंने कहा भाई डेट चली जाएगी, कहते नहीं आ जाएगी डेट। तो फिर होपफुली फिर 15 नवंबर 2016 में उनके मेरे तालीम सर शुरू हुई,
और उसके बाद फिर सर मैंने वहां से फिर अब आज 5 साल हो गए सर, तो फिर कभी मैंने फिर लुकिंग बैक नहीं, फिर वो मतलब असली फिर अब जो बढ़ाऊं वो गुरुजी की देन है, और वहां से फिर कभी मैंने पीछे मुड़ के नहीं देखा फिर सर मैंने। हालांकि अप जी डाउन एज एन आर्टिस्ट तो आपकी जिंदगी में हमेशा चलेंगे ही सर, कभी जी आपके कोई गले में कोई ऐसी दिक्कत आ जाती है कि आपका कई बार रियाज से आप आउट हो जाते हैं, कोई आपके मतलब जैसे कोई प्रॉब्लम हो गई, आप बीमार हो गए, तो वो सब तो खैर चलता ही है, लेकिन हाँ तालीम मेरी एक सेटिस्फेक्शन मुझे मिली है कि हाँ अब मुझे यहीं जाना है, तो वो एक बिल्कुल क्लियरेंस। और गुरुजी का सिखाने का स्टाइल भी बिल्कुल वन ऑन वन स्टूडेंट सिखाते थे वो, और बकायदा बैठ के सुनते थे, और नहीं सुन के आओ तो फिर मैं 40 किलोमीटर वापस जाऊं, नया कुछ नहीं मिलता था। तो बड़ा मतलब उन्होंने जुझारू रूप से हमको मतलब उसकी कीमत बताई कि शास्त्रीय संगीत ये है, इसको सीखो और इसको जानो कि इसकी कीमत क्या है, मतलब बहुत जी जी हर एक को नहीं मिलता ये बहुत खुशकिस्मत होते हैं। मैं मानता हूँ कि संगीत की सेवा करने का मुझे अवसर प्राप्त हुआ ये, और तो ये जी यहाँ ये मेरी सर कहानी है अभी क्या बात है जी, बहुत यहाँ अच्छी से। कहानी है। तो ऐसी कहानी मेरे ख्याल सबको मिल जाए तो बहुत अच्छी बात है। तो जो भी है जी, बहुत अच्छा है। तो विक्रम जी थोड़ा सा अभी जैसे हम लोगों ने बात की थी बीच में गुनगुना ले थोड़ा सा, तो अगर जरूर कुछ सर, आपका दिल करे तो अगर आप गुनगुनाना चाहें तो कुछ ना कुछ साथ में जितने भी दर्शक जुड़े हुए उनको भी कुछ ना कुछ सुनने को मिल जाएगा। बाकी तो प्रोग्राम तो हमने बाद में लाइव करना ही है, तो अगर आप बीच में जी। कुछ सुनाना चाहें तो सुनाइए, क्योंकि आपके गुरुजी पंडित कुंदनमाल जी की आपने जिक्र किया है, तो अगर कुछ ना कुछ उनका, क्योंकि वो भी बहुत अच्छी अच्छी कंपोजिशन करते हैं, तो कुछ अगर सुनाना जी, चाहें। जी। तो अब क्योंकि सर हम लेगेसी तो उन्हीं की आगे बढ़ा रहे हैं, पंडित जी की, बड़े गुरु जी की हमारे, तो जी मैं वैसे तो हिंदुस्तान में तो रात का समय, लेकिन क्योंकि कनाडा में अपना शो लाइव हो रहा है, तो जी मैं गुर्जरी तोड़ी में एक रचना है वो मैं प्रस्तुत करूंगा बड़े गुरु जी की, मन के पंछी भई बावरे, आप सबने बहुत प्रचलित रचना है। जी मन के पंछी भई बावरे, मन के पंछी भई बावरे, मन के पंछी भई बावरे, ऐसन बीन बजाई सांवरे, मन के पंछी भई बावरे, तान मान की तान निराली, झूम रही हर बन की डारी, पीर निजाम दीन बजाई, खुसरो सब मिल गया, मन के पंछी भई बावरे, मन के पंछी भई बावरे। जी क्या बात, वाह वाह, बहुत थैंक अच्छी। यू सर। बहुत जी बहुत बहुत धन्यवाद जी। हमारे साथ बहुत प्यारे प्यारे सज्जन जुड़े हुए हैं, उनका भी जिक्र करते चलते जी हैं, जैसे शिवाकर महाराज जी, बहुत बहुत शुक्रिया, बहुत बहुत धन्यवाद। तो इसके साथ ही हमारे नैनीपाल सिंह जी और भी बहुत सारे सज्जन जुड़े हुए, एक और भाई साहब जो बड़े अच्छे अच्छे कमेंट कर रहे थे, शायद सागर सिंह थे जी कोई, तो उन्होंने बहुत एक प्यारा जो कमेंट किया था, तो उसका भी मैं ये जरूर कह देता हूं कि किसी ने एक बहुत प्यारे एक कोई फकीर थे, संत थे, तो कुछ ना कुछ जो जी चीज दुनिया में हमें मिलती है, देखते हैं हम लोग, तो उससे कोई ना कोई सबक हमें जिंदगी में मिलता है। तो
तो उन्होंने अभी अभी लिखा जी था कि जो कैमरे पे हैं सरदार जी, उन्होंने दाढ़ी काली क्यों नहीं की। तो मैं आपको ये बात कह देता हूं कि मुझे गुस्सा नहीं आता इस बात के लिए, सच्ची बात अगर कोई है। मेरी शरीर के लिए या कुछ कहे, क्योंकि एक इस्लाम में एक बड़ी प्यारी बात, क्योंकि किसी भी धर्म में अगर कोई अच्छी बात है तो हमें ये नहीं कहना चाहिए कि ये जो बात है उनकी गलत है जी, ये बात जो भी जहां से भी आपको अच्छी बात हिंदू धर्म बिल्कुल से बिल्कुल मिले, मुसलमान मजहब से मिले, कहीं से क्रिश्चियन क्रिश्चियनिटी में जो बात है, मतलब कि अगर उनकी सेवा की बात की जाए तो मतलब कि सिर जो है लगता है कि इन लोगों के चरणों में रख दिया जाए। अगर उन लोगों की सेवा की बात की जाए, वो बहुत बड़े लोग हैं, हम लोग बहुत उस मामले में, मैं तो बहुत छोटा हूँ उस मामले में, बहुत बड़े लोग हैं वो। तो एक फकीर जी थे, जी तो एक जिसको हम लोग वेश्वा कहते हैं, तो उन्होंने एक फकीर जब उनके द्वार पे गए कुछ मांगने के लिए, तो उस फकीर की आदत थी कि जब वो जाते थे तो बड़े खुश होके, जे किसी ने दे दिया फिर भी वो बड़े खुश होते थे, अगर नहीं दिया तो फिर और भी खुश होते थे, भी आपने बहुत अच्छा किया कि मेरे को जो ये चीज नहीं दी, बहुत बहुत धन्यवाद, खुश होके आगे निकल जाते थे। तो उन्होंने जी एक दिन जब उनके सामने गए तो उन्होंने एक सवाल किया कि बाबा जी जो जी आपकी जो दाढ़ी है, इस ये दाढ़ी अच्छी है या कुत्ते की पूंछ अच्छी है। तो मैंने बचपन में ये बात सुनी थी, तो फिर मैंने सोचता रहा, अभी तक सोच रहा हूं कि वो जो बात बाबा जी ने या वेश्वा ने कही थी वो क्यों कही थी। अभी तक जी मैं तो उसको क्वेश्चन में चल रहा हूँ, तो मैं भी सोच रहा हूँ कि ये चीज कब पूरी होगी। तो उन्होंने कहा कि बेटा भी ये अभी तो मैं नहीं कह सकता कि जो मेरी दाढ़ी है ये अच्छी है या कुत्ते की पूंछ अच्छी है। तो एक जी जी दिन समा करते 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 ऐसा आ गया कि एक दिन वो बाबा जी बेचारे इस दुनिया से जाने लगे। जब दुनिया से जाने लगे तो उनके जो साथी थे, चेले थे साथ में, वो कहने लगे कि बाबा जी अगर हमें कुछ अच्छा संदेश दीजिए, हमें कुछ अच्छी अच्छी बातें करिए, आप जा तो रहे हो उस दुनिया से। तो वो कहने लगे कि ऐसे करो बेटा, जाओ और वेश्वा को बुला के लाओ। तो वो कहने लगी यार, दुनिया जब जाती है संसार से, वो भगवान को याद करती है, अल्लाह को याद करती है, वाहिगुरु को याद करती है, ये वेश्वा को याद कर रहे हैं। तो कहते नहीं, आप जाओ और उसको बुला को लो। पहले तो उन्होंने शंका किया, तो फिर जब वो गए तो उन्होंने कहा कि हमारे बाबा जो हैं वो इस दुनिया से जा रहे हैं, अगर आपके पास टाइम हो तो आप आइए और इस बात को सुनिए अभी वो क्या कहना चाहते हैं आपको। जब वो आए तो अपना उनके चरणों की तरफ वो खड़ी हुई आके, उन्होंने कहा अभी बेटा आपने आज से कुछ साल पहले जब मैं तेरे दर पे आया था मांगने के लिए, तो आपने एक सवाल किया था मेरे को कि उस टाइम पे मैं उसका जवाब ढूंढ रहा था, नहीं मिला मेरे को। तो कहता भी आज मैंने थोड़ा सा वो सवाल जो आपका था उसका मैं जवाब देना चाहता हूँ। तो वो पहले तो वो भी डरी डरी कि ये तो बाबा है, कुछ मेरे को शराब ही ना दे जाए। तो फिर वो कहते नहीं आप डरो मत, बड़े आराम से खड़ी हो जाओ, तो मैं आपको कहता हूं कि मैं आज कह सकता हूं अपनी दाढ़ी पे हाथ रख के कि मैं इस दुनिया से जा रहा हूं, तो मैं आज कह सकता हूं कि मेरी जो दाढ़ी है ये कुत्ते की पूंछ से अच्छी है। तो कहते कि इसलिए कि मैंने कोई बुरा काम नहीं किया, अच्छा काम करके इस दुनिया से जा रहा हूं। तो वो जो भाई साहब थे, मैं उनको कहना चाहता हूँ कि भगवान करे कि वो वाहिगुरु करे या राम करे या कृष्ण करे, कोई भी करे, कि हमारी जो ये बुद्ध है, हमारा जो ये अंदर का सिस्टम है थोड़ा सा चेंज हो जाए, तो हमें हर चीज में से उस वाहिगुरु उस भगवान के दर्शन होने शुरू हो जाएं। हम लोग कहते हैं कि जरूर अपने हृदय, जो अपना हृदय है अंदर का, उसको साफ करना है, तो उसको साफ करने के लिए रास्ते में बहुत सारी चीजें आती हैं। तो दाढ़ी भी एक वही चीज सिखाती है कि हमें जब कंघी करते हैं, इस दाढ़ी को साफ करते हैं, तो वो भी सिखाती है कि सिर्फ कंघी तक सीमित मत रहना, तेरे अंदर भी कुछ है, उसको भी साफ कर। तो ये जी सारी चीजें हमें देती जरूर है। तो इसके साथ साथ हमें ये भी बख्शिश करती है कि
एक कूंज होती है, शायद आपको बहुत सारे लोग जानते होंगे, कूंज जब अपना देश छोड़ के प्रदेश जाती है, जब वो खाना, क्योंकि आप सब लोग जानते हैं कि उसके बच्चे भूखे रहते हैं, तो दूर जाती है वो अपना खाना लेने के लिए, तो वहीं से वो कुरलाती है, उस कुरलाने से उनके बच्चों की भूख मिटती है। ये हम लोग सुनते आ रहे हैं और ये साइंस भी अप्रूव कर चुकी है, ये बातें भी ऐसी बातें होती हैं। माँ के दिल में कुछ ऐसी चीजें रहती हैं कि वो माँ है, वो बड़ी कमाल की चीज है। आपकी माँ भी, मेरी भी माँ और सबकी माँ, और उस मतलब वो भगवान का दूसरा रूप ही है, अगर हम लोग उसको उसके बारे में जान सके तो, पंछी है बेशक। तो मेरे ख्याल में हम सब लोगों के थोड़ा सा हर चीज के ऊपर, बजाय हमारे यहाँ पे क्या है कि कोई, अगर मैं सीधा कह देता हूँ, यहाँ पे कोई मोटा है तो हमारे लोग उसको मजाक करते हैं, कोई ज्यादा पतला है तो उसको मजाक करते हैं, किसी की आंख नहीं है तो उसको भी हम मजाक के तौर पे लेते हैं, किसी की अगर टांग नहीं तो उसको भी मजाक के तौर पे लेते हैं, लेकिन हमारे कनाडा में ये नहीं है। ये चीज यहाँ पे भगवान की इतनी कृपा है कि अगर कोई जैसा भी है, अगर किसी के कपड़े किसी ने पहने हुए हैं तो बहुत अच्छी बात है, अगर किसी ने कपड़े नहीं पहने हुए तो उसको कोई प्रॉब्लम नहीं है, कोई नहीं कहता कि आपने क्यों नहीं पहने हुए या आपने इतने अच्छे कपड़े क्यों पहने। ये चीज जो हमारे, हम लोगों ने क्या सीखा, इन लोगों की जो बुराइयां थी हमने वो सीखनी शुरू कर दी। सही बात है। हाँ जी, तो हम लोगों ने इनका जो अच्छी चीज थी, आप दोस्तों कभी मौका मिले आपको कभी सोमालिया एक कंट्री है, सब लोग जानते हैं, वैसे हम लोग सब जानते हैं कि वहां पे लुटेरे बहुत हैं, उनके बारे में बहुत सारे लोगों को पता है, लेकिन वहां पे भूखमरी भी इतनी है कि बस भगवान करे कि वो बच्चे आप देख नहीं सकते, इतना मतलब भूख है। लेकिन आप वेस्टर्न की औरतें जाती हैं वहां पे, उनको आप हैरान मानोगे, जो माँ अपने बच्चे को अपनी छाती के साथ लगा के उसको दूध नहीं पिला सकती, वो माए जो वहां पे जाके बच्चे जो ऐसे है कि वो अभी भी मरा अभी भी मरा अभी भी मरा, उनको उनकी भूख मिटाने के लिए मैंने यहां तक देखे हैं वीडियो कि वो उनको उठा के अपनी छाती के साथ, जिसको शायद अपनी माँ बच्चे को दूर कर दे ऐसे बच्चे की हालत देखी, ये उनको दूध पिलाती है। इतनी सेवा इन लोगों के अंदर। ये सीखना है हमें कि जो अच्छी चीज हो रही है हमें वो कर रही है, ना कि ये सोचते रहे जी विक्रम जी के पास ये है तो उनके पास ये क्यों नहीं है, उनके पास ये है तो ये क्यों नहीं है, हरजीत सिंह की दाढ़ी ऐसी है तो उन्होंने काली क्यों नहीं की, इनमें कुछ नहीं रखा, कुछ भी नहीं मिलने वाला। बस यही चीजें हमें जो सीखने को मिलेंगी कि जैसे विक्रम जी बचपन से इस कला को सीखने के लिए निकले तो उनके दिल में एक श्रद्धा आई, प्यार आया, तो उन्होंने इस कला को अडॉप्ट किया। आज वो कैसा गा रहे हैं मैं इस चीज को नहीं मानता, मैं मानता हूं कि वो आप उस रास्ते पे चले हो, आप उस रास्ते पे चले हो, आज बेसुरापन भी हो सकता है, आज बेतालापन भी हो सकता है, लेकिन बेतालापन 2 साल बाद नहीं रहेगा, बेसुरापन साल बाद नहीं रहेगा। जब हम लोग किसी चीज को भी एक्सेप्ट कर लेंगे, एक रास्ते पे चल रहे चले, तो ऐसा प्रैक्टिस करते 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 हम लोग अपनी मंजिल की तरफ जाएंगे, तो हो सकता है इस जन्म में भी पूरा ना हो सके तो शायद और भी जन्म आके पूरा करने। इसलिए हम लोग कहते हैं कि पिछले जन्म में आपने मोती दान किए थे तो फिर ही पंडित राजन साजन जी बन सके, आपने मोती दान किए थे तो पंडित भीमसेन जोशी बन सके। वो मोती दान क्या है, यही मोती दान है कि वो चलते रहे सेवा करते रहे, तो बार 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 जब हम लोग इस रास्ते पे आए तो हमारी मंजिल, आज हम लोग जब भी जैसे पंडित जी का नाम लिया तो विक्रम जी भी कान पकड़ते हैं, मैं भी कान पकड़ता हूँ, हम लोग सब क्यों करते हैं ये, वैसे तो अगर कोई कहेगा यार कि ड्रामा करने की क्या जरूरत है, लेकिन वो ड्रामा वो होता है जब हम लोग तमाशा करते हैं, तो जब आप एक रिस्पेक्ट के तौर पे किसी को याद करते हैं तो वो ड्रामा नहीं होता, वो एक श्रद्धा है, एक प्यार है, तो वो प्यार सबके अंदर, हमारे अंदर, सबके अंदर बन जाए तो मुझे नहीं लगता कि अगर कोई ऐसा कह जाता है तो कोई बात नहीं, भगवान करे कि हमें ये भी शक्ति दे कि हमने ऐसी चीज को
प्रवान कैसे करना है। जो कोई ऐसी बात कहेगा तो जी बहुत जी सारे सज्जन है हमारे नैनीपाल सिंह जी और बहुत सारे ने लिखा है कि इनको सबक सिखाना है। सबक किसी ने नहीं सिखाना, तो भगवान ही जो सबक किसी को सिखाता है वही बख्शिश है, उसी बख्शिश को हमने कमाना है। ऐसा 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 ये सारी कृपा हो जाती है। बड़े बड़े लोग ऐसे बिल्कुल जिंदगी में मिले जिनकी जिंदगी में मिलने से, जब वो मिले तो उनके साथ अच्छी बात नहीं हुई, लेकिन जब उनके साथ आगे जाके कुछ रिश्ता ऐसा बना तो ऐसे लगा कि शायद ये लोग मेरी जिंदगी में ना आते तो शायद मेरी जिंदगी इतनी अच्छी ना बनती। तो ये चीजें ऐसा ऐसा हमें सीखने को मिलेंगी। तो चलो ये बीच में बात आ गई तो विक्रम जी जी से बात करते हैं। तो विक्रम जी, जैसे जी आप सीख रहे हैं पंडित जी कुंदनमल जी से, तो जैसे पंडित राजन जी का बनारस जी घराना है, आप हम लोग सब जानते हैं कि जी वो बनारस घराने की गायकी करते हैं, तो आपके गुरु जी पंडित कुंदनमल जी जिनसे आप सीख रहे हैं, वो भी सेम गायकी को कर रहे हैं या डिफरेंट स्टाइल की गायकी गा रहे हैं? सर, मैं क्योंकि इतना सर क्वालिफाइड नहीं हूँ कि घराने का, मैं एक्चुअली क्योंकि घराने का एक्चुअली जी कॉन्सेप्ट तो ये है जो सातों पीढ़ी से चला आ रहा है, जी और वो जी तो वो जाके घर में घराना बन जाता है। तो वो सर गुरु जी क्या, क्योंकि गुरु जी पहले, क्योंकि गुरु जी ने सर्विस के टाइम रहते ही अपनी जो है वो ली, जी रुझान बचपन से ही था, लेकिन एक होता है कि अच्छा सबको अच्छा स्टेबल करने के बाद। हाँ, तो जी पहले जी उन्होंने सीखना शुरू काफी गुरुओं से सीखा, और अच्छे ग्वालियर के थे, मैं नाम नहीं जानता हूँ, उन्होंने अपनी बुक में भी लिखा है ये चीज, गुरु जी ने, उनकी बुक है जी शास्त्रीय संगीत जी का एक मौन साधक, आप पढ़िएगा जरूर उसको। जी बिल्कुल और उनकी लाइफ में तो मैंने ये देखा कि जब वो पंडित जी के पास पहुंचे तो उन्होंने घराने का सर ऐसा कोई, मुझे तो मैंने 5 साल हो गए, लेकिन हाँ नहीं ठीक ठीक बिल्कुल ठीक है। हाँ जो ये क्योंकि अच्छी मैं बात है, ये अच्छी बात है कि हाँ जो जी सही है उसको सामने रखना चाहिए, और बहुत अच्छी बात है। तो कई बार गलती से हम लोग कह रहे हैं कि मुझे इतना पता है लेकिन बाद में पता ना चले, उससे अच्छा है कि जो बात है हाँ उसको कहो। तो ये क्योंकि घराना जो है, घराना आपको आगे नहीं लेके जाएगा, आपकी प्रैक्टिस आपको आगे लेके जाएगी। वो ठीक है कि पीछे से बिल्कुल जो सिस्टम चला आ रहा है वो बहुत अच्छा है, तो हाँ, वो यही तो बात जो है। क्योंकि जी पाइनियर्स थे जी उस जमाने में, जो थे पाइनियर्स, उन्होंने एक स्ट्रीम्स बनाई, वो था। जी लेकिन जी हाँ, घराना तो है ही, आप जिस बिल्कुल तरह जिस जहाँ से आते हैं आप, वो स्टाइल तो आप फॉलो करते ही हैं, लेकिन सबसे बिल्कुल पहली चीज जो मुझे सीखने को मिली वो यही जी, थी कि आप संगीत को पहले सब मानिए। क्या घराना बात है। तो आएगा, शैलियां आप सीखेंगे। अब जैसे आप जाकिर साहब की अगर आज हम बात करें, तो जी उन्होंने तबले में सभी कुछ बजाते हैं, वो चाहे बनारस लें, पंजाब लें, जी मूलतः तो पंजाब का ही है क्योंकि वो वहीं की उनकी तालीम रही है, लेकिन वो सभी कुछ बजा क्या के उन्होंने एक समान कर दिया। तो बात है। संगीत की इबादत, मैं ये समझता हूँ सर, पर्सनल मेरा व्यू है, इसमें मेरा नहीं कोई नहीं तो बिल्कुल कोई सही ऐसा बात लिंक नहीं है, क्योंकि मैं है। इतना क्वालिफाइड अभी नहीं हुआ हूँ कि मैं घराने पे बातचीत ज्यादा कर सकूँ, कोई बात लेकिन कोई हाँ, जो बात मेरी ऑब्जर्वेशन रही है वो ये रही है कि भाई आर्टिस्ट को पहले म्यूजिक, उसका फोकस एक मेन होना चाहिए, फिर क्या घराना बात आता है। स्टाइल जब आप करते जाते हैं, आप जी मॉड्यूलेशन लाते हैं, फिर जी चाहे तबला हो, चाहे आप गाना कर रहे हो, आप सितार कर रहे हो, कि किसी घराने में कोई स्टाइल है कि अब जैसे तबले में बात करें तो पंजाब में 4 उंगलियों की तिरकिट भी चलती है, बनारस में इस तरह से करके बजाते हैं, जी और दिल्ली में 2 उंगलियों की तिरकिट चलती है। तो जी बोल तो वही है, तिरकिट तो हर बिल्कुल जगह बज रहा है, तो उसको जी बजाने का स्टाइल अलग है। तो वो पहले बेसिक स्टाइल पकड़ के आप थोड़ा सा आगे बढ़े, फिर घराना बाद में आता है बहुत। तो ये जी बहुत मेरा अच्छा, मैसेज है बहुत बहुत अच्छा, बहुत अच्छी बात है। दोस्तों बहुत जी। अच्छी से बातचीत चल रही है, हमारे बहुत सारे जो संगीत प्रेमी साथ में जुड़े हुए उन सबका बहुत बहुत धन्यवाद। और आप सब लोग जानते हैं कि ये प्रोग्राम इस वक्त सर्वकाल यूट्यूब चैनल पे चल रहा है, सर्वकाल म्यूजिक सेटियो कैलगरी के फेसबुक पेज पे चल रहा है, सर्वकाल म्यूजिक सेटियो पाकिस्तान के पेज पे चल रहा है, सर्वकाल के जो हमारे टीवी का जो हमारा ग्रुप है उसमें चल रहा है, हैपनिंग्स इन कैलगरी हमारा बहुत काफी अच्छा एक बड़ा ग्रुप बिल्कुल है उसमें चल रहा है, थर्ड आई मीडिया के प्रोग्राम में चल रहा है, तो अलग अलग जगह पे ये प्रोग्राम चल रहा है। तो बहुत सारे सज्जन जहां जहां से कमेंट करते हैं, उसको लाइक करते हैं, तो हमारे ही एक शहर के हमारे सर्वकाल के मीडिया कोऑर्डिनेटर हैं परम सूरी जी,
तो वो जी बेचारे जब भी अभी तो इस वक्त सो जाते हैं वो 8 सवा 8 बजे, क्योंकि पूरी रात वो जागते हैं, अपने ड्यूटी करते हैं, काम करते हैं। तो वो जब उठेंगे तो पूरे अलग अलग ग्रुप में ये सेवा करते हैं, उनको शौक है। देखो इंसान कहाँ से शुरू होता है और कहाँ जाता है, तो इसलिए हम लोग कहते हैं कि ये जो बातें हैं इनमें से बहुत कुछ सीखने को मिलता है। तो जी बेशक जी वो एक छोटा बच्चा है वो भी आपको ज्ञान दे सकता है, बड़ा है तो उससे तो सीखेंगे सीखेंगे, उसकी सारी जिंदगी का बिल्कुल तजुर्बा है। तो बहुत अच्छे से, और मैं जब उनको देखता हूँ, पहले पहले जब वो शुरू शुरू में सर्वकाल के साथ जुड़े तो बातचीत किया करते थे कि ये न्यूज ऐसे होती है, ये न्यूज ऐसे होती है। तो लेकिन मैं रोज रोज जब उनकी बात सुनता था तो मुझे बीच में हंसी भी आती थी। तो मैं सोचता था यार ये बेचारा अब म्यूजिक के साथ तो फंस गया है, तो अभी थोड़े दिनों बाद ये अभी न्यूज की बात कर रहा है, थोड़े दिनों बाद ये रागों की तबले की बात किया करेगा, तो उस वक्त देखेंगे कैसा लगेगा। तो अभी सच में वही बात हो गई। मैं कल मेरे को पूछ रहे थे कि ये तबला इस तरीके से होता है, ये हारमोनियम इस तरीके से होता है, ये सारंगी का कोई प्रोग्राम करना है हमें। तो मैं वही बात पे लेके हंस रहा था कि देखो इंसान को किस तरफ भी आप मोड़ दो, एक बच्चा है जैसे जिस तरफ भी आप उसको लगाना चाहो उस तरफ वो बिल्कुल बिल्कुल लग जाता है। तो इसी तरीके से वही वो है ना। बुजुर्ग जी मेरे से वो 10 12 साल बड़े हैं, लेकिन वो संगीत की सेवा में अभी शुरू हुए हैं। तो अभी वो खुद कहते हैं, मैं नहीं कहता, उनके खुद के शब्द हैं कि मुझे जो एक होती थी ना निंदा करनी, कहते यार कई बार हम लोग जब न्यूज की बात करते तो निंदा करते रहते, तो कहते जब से मैं म्यूजिक के साथ जुड़ा हूँ, ये मैं म्यूजिक की एक आपको बता रहा हूँ कि म्यूजिक के साथ एक सच है, संगीत एक सच है, संगीत के साथ जुड़ के क्या क्या फायदे हैं। संगीत के साथ जुड़ोगे तो आपको एक अच्छा टाइम गुजरेगा आपका, संगीत सीखोगे और अच्छा टाइम गुजरेगा। संगीत के साथ जब हम लोग सोचते हैं कि यार ये क्या है संगीत, राग क्या है, तबला क्या है, उसके साथ जुड़ेंगे और प्रभाव हमारे ऊपर जिंदगी के ऊपर आएगा। तो उनकी ये बात कहनी है कि जब से मैं संगीत के साथ के साथ जुड़ा हूं, मुझे जो निंदा वाला पार्ट है वो अच्छा नहीं लगता अभी। तो ये खुद सोचिए कि इसमें कुछ ना कुछ तो है अच्छा भी। अभी बातें क्या होती हैं यार, वो तबला वाला था बड़ा अच्छा बजा रहा था, वो विक्रम जी आए वो तान बड़ी अच्छी ले रहे थे, वो आलाप बड़ा अच्छा करते। अभी ये बातें होती हैं तो वो जो निंदा का पार्ट था वो निकल गया, हम लोग एक सही मार्ग पे आ गए। तो ये चीजें जो हमें बिल्कुल संगीत सिखाता है, तो मुझे लगता है कि ये सारा हमारा जितना भी जीवन है ये जीवन भगवान के रास्ते पे चलेंगे तो हमारा जीवन और भी सही होगा। तो भगवान का रास्ता क्या है, जी स्वर भगवान का रास्ता है। हम लोग कहते हैं कि जी स्वर ईश्वर है, स्वर अल्लाह है, स्वर वाहिगुरु है, हर चीज है। तो ये इसलिए सब ये चीजें जो अच्छी बनती है। तो विक्रम जी और आगे चलते हैं, जैसे आपने सीखना शुरू किया उसके बाद कुछ कंपटीशन भी हुए होंगे जिसमें आपको मौका मिला गाने का, या कुछ ऐसा है आपके पास तो वो भी शेयर कीजिए। सर कॉम्पिटिशन्स के साथ मेरा एक्चुअली मैं पर्सनली मेरा जो एक्सपीरियंस है वो इतना मतलब जैसे कह सकते हैं आप सत्य से आगरा, क्योंकि हर एक का सर मेरा ही जर्नी जी में ऑब्जर्वेशन है कि जी बिल्कुल देखिए कॉम्पिटिशन इज नॉट अ प्लेटफॉर्म टू जज एनी आर्टिस्ट, क्योंकि जी कला बिल्कुल सबकी अपनी होती है, ये मेरा निजी एक बिल्कुल मत है। और बहुत बड़े लोग अपने व्यक्तित्व, मैंने किशन महाराज जी का एक इंटरव्यू सुना था तो जी उसमें जी ये कहीं ना कहीं उन्होंने बात कही थी कि भाई ये कॉम्पिटिशन नहीं होना चाहिए आपस में, अपने आप से कंपटीशन होना चाहिए। हाँ यार कि मैं ये मेरी ये तान लगनी ही नहीं रही है तो यार मैं किसको क्या मेहनत करूं कि ये क्या मैं बात कैसे, या तो मैं किसी को सुनूं, किसी अपने से गुणी व्यक्ति को सुनूं, उनका थोड़ा सा मैं एक करूं, या मतलब जो भी आपसे इजी हो सकता है वो करें। और कंपटीशन मैं ये नहीं मानता हूँ कि इज दी अल्टीमेट सोर्स की हाँ आप हार गए तो हार ही गए, उसके बाद भी बहुत चीजें हैं। तो मैंने अपने आप को खुद को लाइव में मैं कैसे आगे रहूं उसमें मैंने, क्योंकि वो तो सर एक लिमिटेड वो है ना, गिने चुने बिल्कुल एक बिल्कुल प्रतिभागी बिल्कुल आएंगे, बिल्कुल जी 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 सर्टिफिकेट मिल जाएंगे और वो उसका कोई बेनिफिट नहीं है। हाँ जी जी गवर्नमेंट के जो स्कॉलरशिप्स निकलते हैं या है वो मैं उस पर मैंने बहुत ध्यान दिया, या जो जी ग्रेडेशंस निकलते हैं ऑल इंडिया रेडियो के, दूरदर्शन के जो आते हैं या जो प्रोसीजर होता है उनका, वो दैट इज वेरी इंपॉर्टेंट। तो मैं ये जो देख रहे हैं प्रोग्राम्स खासतौर से यंग म्यूजिशियंस, तो जी उनको मैं यही कहूंगा अगर आप किसी कंपटीशन में हार रहे हैं तो इसका मतलब ये नहीं है कि आप बिल्कुल ही आप वो हो गए, क्योंकि उसके
बहुत सारे ऐसे एस्पेक्ट्स हैं जो रिवील मैं यहाँ नहीं कर सकता किसी जी का बिल्कुल क्या है, बिल्कुल आपको सब सर आप समझ सकते हैं इस बात को। तो बिल्कुल बिल्कुल हमको बिल्कुल हमको अब इतना एक्सपीरियंसेस होने के बाद हमें ये लगा, तो मैंने ये लगाया कि बजाय मैं यहाँ पे टाइम भी वेस्ट कर रहा हूँ, अपना एफर्ट भी लगा रहा हूँ, मेरा सभी कुछ वेस्ट हो रहा है, तो मैं अपना परफॉर्मेंस ही इनहांस करके रियाज करके अपने को मैं इतना आगे मतलब मैं कर लेता हूँ कि भाई मेरा, क्योंकि आफ्टर ऑल एक आर्टिस्ट को कंपटीशन में नहीं गाना है, उसको लाइव स्टेज पे फोकस करना है। यस तो जी कंपटीशन कभी नहीं सिखाएगा, ये मेरा मानना है सर, पर्सनली जो मैंने एक्सपीरियंस मेरा हुआ है अब तक का, क्या बात वो है गुरु के पास रह के गुरु की खिदमत, और जो मुझे अहमद जान रखवा खाता बहुत लेजेंड जो हाँ रहे क्या हमारे तबले के परोसावार घराने के, जी उनकी मैं एक डॉक्यूमेंट्री देख रहा था सर, फिल्म डिवीजन इंडिया की वो डॉक्यूमेंट्री है, उसमें लास्ट में जी उन्होंने बहुत एक अच्छी बात कही, मतलब मेरी मतलब बहुत सही बात कही उन्होंने कि उस्ताद मतलब बच्चा खिदमत करे उस्ताद की और सबक हो बुजुर्गों का, तब बनता है बच्चा, कॉलेज में हाँ पढ़ने से या खाली ये एक जो रूढ़ीवादी से जो चल पड़ा है उसको फॉलो करने से नहीं बन सकता। जी वो जी जी एस्थेटिक सेंस आपको, क्योंकि कंपटीशन मेरे पर्सनल पॉइंट ऑफ व्यू से सर कहीं ना कहीं एक आर्टिस्ट का जो वो है वो भी एक एस्थेटिक सेंस नहीं उतना डेवलप कर सकता जो एक वो खुद वो सीखेगा कि क्या यार बात मैंने है लाइव यहाँ गाया, भले ही मैंने 15 मिनट गाया लेकिन क्या रेस्पॉन्स रहा लोगों का, मैं जाके पूछूं लोगों से जो जिन्होंने जिन गुणी लोगों ने सुना, और गुरु जी के अलावा भी आफ्टर ऑल आपको एक जवाब बाहर निकलते हैं अपने गुरुकुल जी से तो आपको सबको फेस करना होता है, तो सबकी राय लेके चलनी होती है इंडस्ट्री में। बिल्कुल तो बिल्कुल ये मैंने सोचा कि कंपटीशन इज नॉट दी अल्टीमेट सोर्स की, गया तो मैं हूं सर लेकिन वो गुरु जी का आशीर्वाद ऐसा रहा कि कभी उसकी मतलब हारा भी तो भी कोई फर्क पड़ा नहीं और आगे ऐसे ही चलता रहे बस। तो ये जी मेरा एक सबसे बड़ा सीख मैं देना जो मेरा मैंने जो सीखा अपने एक्सपीरियंस से कि कंपटीशन इज नॉट दी अल्टीमेट एंड, कंपटीशन आपको आर्टिस्ट नहीं बनाएगा, गुरु की सबक माँ बाप का आशीर्वाद और आपका प्रैक्टिस, ये जब जी आपकी ये जब एलिमेंट सारे एक साथ हो जाएंगे दैट विल मेक यू एनफ यू नो क्वालिफाइड फॉर द स्टेज परफॉर्मेंस, क्योंकि बिल्कुल आफ्टर ऑल सर आपको एक एज के बाद तो कंपटीशन काम नहीं आएगा। सही अब बात मैं कई है जगह से देख रहा था अभी लॉकडाउन में कि मतलब कंपटीशन 30 30 साल के भी कंपटीशन लोग दे रहे हैं, मतलब क्या चल रहा है ये, मतलब 25 के बाद तो आई मीन यू शुड फोकस ऑन योर स्टेज परफॉर्मेंस, मेरा ऐसा जी मानना है सर, सही बात है और वो कहीं बिल्कुल अच्छा नहीं है क्योंकि ये कंपटीशन से बिल्कुल अल्टीमेट बेनिफिट कंपटीशन देने वाले को नहीं हो रहा है, जो करा रहा है वो है कहीं ना कहीं। बिल्कुल बिल्कुल बहुत ही अच्छी बात कही। और मेरे ख्याल में ये बात तो विक्रम जी मैं आपको थैंक यू करना चाहूंगा। आपने ये जो जी बात को टच किया है ये सच में हमारे बहुत सारे उन यंग जनरेशन यंग बच्चों के काम आएगी बात। बिल्कुल एक बार की मैं बात बताता हूँ आपको, क्योंकि बीच बीच में से कुछ ना कुछ नया जब हम लोग सुनते हैं तो बाद में कुछ आइडिया आ जाते हैं कि यहाँ से हमने ये चीज को देखा था। और सच में जैसे अभी अभी विक्रम जी ने कहा है तो उसी चीज को मैं यहाँ पे कोट करना चाहूंगा कि एक 2 साल 3 साल पहले हमने एक प्रोग्राम देखा, उस प्रोग्राम के बारे में जी सुना, उस प्रोग्राम के बारे में जब ये पता चला कि आज से 2 साल पहले जो प्रोग्राम हुआ था उसके जज थे, तो वही 2 साल बाद उस आइडल में कुछ जो प्रोग्राम हुआ उसमें पार्टिसिपेट कर रहे हैं। तो मैंने उससे पूछा, मैंने कहा भी आप ये खुद बताओ कि मेरे साथ बात हुई कि आप जब जज थे, खुद जज थे, लोगों को इस प्रोग्राम में आप जज करते थे, तो आप आज इस प्रोग्राम में खुद आए हो, इसका मतलब आपने जज कैसे कर लिया इस प्रोग्राम को। तो वो अभी अभी और तो कुछ उनके पास जवाब नहीं आया। उन्होंने कहा यार उस टाइम पे जब मैं जज किया था उस टाइम पे कोई इनाम नहीं था, तो अभी इस प्रोग्राम का जो इनाम उन्होंने रखा है वो 50,000 के करीब रखा है, इसलिए मैंने ये प्रोग्राम को जज करने के लिए छोड़ के अभी मैं पार्टिसिपेट कर रहा हूँ। मैंने कहा फिर तो ये बात फिर लालच का काम आ गया, फिर वहां पे वो सेवा या फिर मैंने उनको देखिए विक्रम जी ने जो बात कही है उस वो बात कितनी सॉलिड है, कितनी अच्छी है। फिर मैंने कहा अगर बाय दावे आप जज करते थे इस प्रोग्राम को, आज आप इस प्रोग्राम में हार जाते हो, तो फिर आप तो जज के काम से भी गए। तो हुआ वही, तो जी वो बेचारे पहले बताइए पहले लाइन में भी नहीं आए,
मतलब एक होता ना कि पहले बताइए 5 या 10 या 20 लोग आ जाते, उनमें भी नहीं आए, तो फिर हम लोग वही बताइए बात करते हैं कि फिर आपको जो सीट मिली हुई है जज की, वहां पे आ रहा हूं जी। मैं, कि जो जज की सीट मिली है, जो उस टाइम पे आप दूसरे को जज करते हो, किसी के बच्चे को जज करते हो, किसी अच्छे गुरु के किसी शिष्य को जज करते हो, इसका मतलब आपको ये चीज उस टाइम पे सोचनी चाहिए कि मैं जज करने के लायक हूं। हाँ ये बात बड़ी बिल्कुल सर, इंपॉर्टेंट है बिल्कुल कि मैं इस चीज को जज करने के लायक हूं। अगर आप उस जी चीज जी के लायक नहीं है तो फिर आप खुद वो चेयर छोड़ दीजिए, दूसरा सर, आपको क्योंकि कहे कि आप क्या जी। तो आपका जी क्या आप कहिए। सर ख्याल, जी मैंने जो बात आपको कही है विक्रम जी, आप क्या सोचते हैं इसके बारे में कि जो ये बात हुई है, ऐसा जो माहौल बनता जा रहा है हमारे समाज में, तो क्या ये जो माहौल बनता जा रहा है हमारे बच्चों को क्या देगा ये? आप क्या क्या रखते हैं इसके बारे में, आपकी सर राय? मैं सबसे पहले, हाँ जी, जो मैंने देखा सर कॉम्पिटिशन्स में, वो एक तो बहुत ही, जैसे कहते हैं ना कि बच्चे को, क्योंकि आफ्टर ऑल देखिए कलाकार है वो बच्चा, तो कलाकार की हैसियत से ही बैठा है ना, वो जी पेशेवर कला बिल्कुल है। ये नहीं कह रहा हूँ कि वो बहुत बड़ा है ना, जी हिज प्रोफेशन इज लाइक सचिन तेंदुलकर जब क्रिकेट खेलते हैं तो वो क्या कहलाते हैं, बैट्समैन, वो बैटिंग कर रहे हैं सिंपल भाषा में। तो जब एक जी कलाकार, जब कोई गाना गाने जा रहा है तो वो क्या कहलाएगा, आर्टिस्ट कहलाएगा। लेकिन और आर्टिस्ट का काम होता है खुशी कर देना, दुनिया जी में खुशियां बांटना। जी जब आप कलाकार का ही मन अवसाद में कर देंगे तो उसका फायदा क्या। और जी बहुत बड़े लोगों ने भी ये बात, मैंने जैसा अभी बताया किशन महाराज जी के, एक मैं पढ़ रहा था, कोई लेख पढ़ रहा था, उसमें लिखा हुआ था कि कला सबकी अपनी होती है, वो कोई एक उसका कंपैरिजन नहीं कर सकते। हाँ, क्या ये बात है, वाह कॉम्पिटिशन होना चाहिए जी कि मेरी है, जैसे मुझे फला कोई एक तान अच्छी लगी तो ये नहीं कि मैं जाके, अरे मैं बिल्कुल ही ये कर दूंगा, मैं कर ही नहीं सकता। तो मैं बजाय उसको डेवलप करूं, उसको भले ही टाइम दूं, मैं वो एक आर्टिस्ट बनाएगा आपको, उसको जब आप उस पीरियड से गुजरेंगे कि इस तान को लाने में, या इस, मैंने जो कायदा बजाया, मैंने उसको, मैंने रियाज जैसे कत्ते भेटे थे कथक अधिगन, ये कायदा बड़ा जबरदस्त है, तो वो जी नाना 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 करके वो टाइमिंग इतनी सटीक बैठे कि वो बिल्कुल वापस पूरा बोल बजने में आ जाए, वो कहीं लहरे से बाहर ना निकले। तो जी ये चीज है, जब सेल्फ जो असेसमेंट है वो आर्टिस्ट को एक आर्टिस्ट बनाता है वो, या वो लोगों के बीच कनेक्ट कर पाता है खुद को। कंपटीशन से क्या होता है, बच्चे में एक कहीं ना कहीं, चाहे वो एक मेरे एज का हो, क्योंकि मैं तो अब सर बिल्कुल, मैं फ्रेंकली बताऊं तो मैं बिल्कुल आउट हो चुका हूँ कॉम्पिटिशन के जो जी सीन से है, क्योंकि मुझे पता लग गया मुझे यहाँ कुछ मिलना नहीं है, और जहां मुझे कुछ मिलता नहीं है मैं वहां रहता नहीं हूँ। तो ठीक इसलिए फिर मैंने फिर गुरुजी से भी, बड़ा मन खराब रहता था, तो गुरुजी ने कहा छोड़ दो, कोई दिक्कत नहीं है, तुम अपना परफॉर्मेंस अगर तुम्हें अच्छा लग रहा है कि भाई तुम उनसे इंस्पायर्ड हो, बड़े लोगों से, तो तुम वो काम करो, तो तुम परफॉर्मेंस पे काम करो अपनी। तो जी जी बिल्कुल वो सर अच्छा, मतलब वो कहीं ना कहीं एडवाइस उनकी फल गई सर, और अभी थोड़ा मतलब सही होने लगा है। मतलब मैं ये भी नहीं कह रहा हूँ कि बहुत, मतलब क्योंकि अच्छा कितना ही हो जाए गुरु के लिए, वो उनके लिए वो कभी उसको एक्सप्रेस नहीं करते, बस वो बना सही देते हैं। तो सही सही बात है, सही बात है, बिल्कुल और जी यही यही होना चाहिए सर, कि पेरेंट्स को ये समझना चाहिए कि ये पेरेंट्स जो हैं कि मेरा बच्चा, मेरा, और आजकल स्मार्टफोन का दौर चल गया, तो बच्चा वो डांस, वो हिल नहीं रहा है, वो डांस कर रहा है जो, और उसका वीडियो बनाने लग जाते हैं। तो ये जो चीज है, ये कहीं ना कहीं ये बैलेंस करके दिमाग में चलनी होगी कि जी पहले बिल्कुल तैयारी बिल्कुल कराएं, और उसके बाद फिर सीधा, बहुत मीडियम्स हैं, आप ऐसे बिल्कुल ऑर्गेनाइजेशन से जुड़िए जो लाइव परफॉर्मेंस कराए बच्चे का, वहां वो खुद जब असेसमेंट करेगा अपना कि, और बात रही जहां तक सर रियलिटी शोज की, तो मेरा उसमें ये पॉइंट है कि आपको, और एक पॉइंट तो क्या सर, मैं एक रिलेटिविटी देना चाहता हूँ छोटी सी, कि ये जो रिजेक्शन पॉलिसी है इसको खत्म करना चाहिए। जी रिजेक्शन करके कोई कुछ नहीं मिलने वाला, वो उसका मन खराब होगा, वो डिप्रेशन में आ जाएगा, यार मैंने, मतलब मैंने इतनी मेहनत की, मैं क्या किया और मेरे को कुछ मिला नहीं, सही बात मेरे को डिस्क्वालिफाई हो गया, वो तो फलाने ने मेरे से बहुत कम गाया लेकिन मैं कैसे बाहर हो गया। तो ये जो चीजें हैं वो बड़ा एक मेंटल स्ट्रेस ला देती है, और ये कलाकार के लिए एक अवसाद में, या एक पैदा हो उसकी उस स्थिति असमंजस ही हो, तो जी उससे अच्छा है उस चीज से दूर रहा जाए, और अपना रियाज में फोकस किया जाए, और अपना प्लानिंग की जाए कि हाँ भाई मैं अब ऐसे सीख रहा हूँ, मुझे आगे क्या करना है, मैं आगे कैसे ऐसे इसको मतलब मास्टर जी तक पहुंचाऊं,
अपने जी गुरु से राय लें, अपने पेरेंट्स की हेल्प लें, बजाय कि आप कंपटीशन में आप जाएंगे, पूरा दिन आप वहां लग खर्च करेंगे और फिर मतलब इकोनॉमिकली भी आपको वो नहीं बेनिफिट मिलेगा, क्योंकि आप तो मान लीजिए आप डिस्कॉल, और वो पकड़ा भी क्या देते हैं, पार्टिसिपेशन का सर्टिफिकेट, सही जिसका बात कोई कोई उसका लॉजिक नहीं है ना। आप मेरा वो टाइम जो है, गया वो पार्टिसिपेशन के सर्टिफिकेट के लिए वजह से थोड़ी वापस आएगा। तो बिल्कुल ये मेरा बिल्कुल एक पर्सनल, मैं यहाँ पे जाहिर करना चाहता हूँ, ऐसा नहीं कि जी मैं बाहर हो गया तो मैं क्रिटिसाइज कर रहा हूँ उसको, क्रिटिसिज्म नहीं है, ये मेरी कहीं ना कहीं ऑब्जर्वेशन है सर, जी कि बिल्कुल आप अपना प्रैक्टिस के थ्रू जो है अपनी आर्ट को इंकल्केट करें और उसको बढ़ावा दें। आप यही टाइम अगर अपने गुरुजी से आप ये कह रहे थे कि गुरुजी मैं कंपटीशन में तो नहीं, मैं आपके पास आ रहा हूँ, थोड़ा एक्स्ट्रा हो जाएगा क्या, आप एक्स्ट्रा क्लास ले लें, तो वो आप ही कोशिश करिए कि गुरु की संगत बनी रहे, और क्योंकि संगीत में माँ बाप और गुरु ही हैं जो आपको आगे बढ़ा पाएंगे। क्या बात है, ऑडियंस वाह तो जब, बहुत क्योंकि ऑडियंस तो तब आएगी ना जब आप स्टेज पे चढ़ेंगे। तो क्या बात है, ये बहुत मेरा बहुत कहना है कि कॉम्पिटिशन होने की बजाय आप लाइव परफॉर्मेंस कराएं कलाकार का, वो ज्यादा बहुत अच्छा है। ज्यादा अच्छा, क्या बात है, बिल्कुल सही आप बात, बच्चे का भी टाइम वेस्ट कर रहे हैं और सिर्फ आप देख क्या रहे हैं, वही पार्टिसिपेशन का एक सर्टिफिकेट जिसका कोई जी मतलब, जी मुझे तो गवर्नमेंट के, हाँ आप गवर्नमेंट के उस पर ध्यान दीजिए, जी जो मतलब जो जैसे सीसीआरटी की स्कॉलरशिप्स हैं, लोगों को पता ही नहीं है सर कि जी कल्चरल टैलेंट सर्च स्कॉलरशिप स्कीम है हमारे यहाँ, मिनिस्ट्री ऑफ कल्चर करती है कंडक्ट, और जी कई ऐसे प्रोग्राम्स हैं जो यूजी के लेवल पे होते हैं, फिर पीजी करने के बाद उनकी एलिजिबिलिटी होती है, तो इन पे रिसर्च करें बच्चे। और ऐसे तो जो ये पेरेंट्स का ये हो जाएगा खत्म कि हाँ इसमें कोई अवेन्यूज नहीं है, अरे गाने बजाने में क्या है, ये चीज खत्म होनी चाहिए सर। और वो ऐसे ही होगी कि हम सेल्फ अवेयर हो जाएं, और जी कंपटीशन जो कंडक्ट करते हैं उनको मैं यही कहूंगा कि आप बच्चे की परफॉर्मेंस कराइए और उसको ये सिखाइए, एक इंस्टीट्यूशन का काम करिए आप, बजाय कि आप उसका कॉन्फिडेंस तोड़ें, आप उसको स्टेज फियर पहले ही है बच्चे के अंदर नेचुरल और आप और बढ़ा देते हैं। जी तो जी ये जो है ये दूर होना बहुत जरूरी है कंपटीशन के, बिल्कुल, मतलब मैं सही मानता हूँ कि इसको खत्म करके फॉर्मेट चेंज कर दिया जाए क्या बात है, ये। बहुत तो अच्छी जी जी बड़ी अच्छी बात कही, और मेरे ख्याल इसी बीच में आपने शायद नोट किया, विक्रम जी एक मैसेज और भी दे गए, वो बड़ा प्यारा मैसेज है, वो मैसेज है कि अगर माता पिता और अपने गुरु के प्रति श्रद्धा रखेंगे, तो उन्होंने यही बात कही है कि माता पिता और गुरु की जो बात हो रही है तो वो श्रद्धा भी बनाती है अपने माता पिता के प्रति, अगर माता पिता का फर्ज है कि वो अपने बच्चे के लिए ये करें वो करें, और वहां पे उतना ही फर्ज बच्चे का भी है, वो अपने माता पिता के बिल्कुल लिए क्या सोचता है, तो बिल्कुल ये दोनों तरफ से अच्छी बात है, तो ये भी साथ साथ तो विक्रम जी ने जहाँ पे ये कंपटीशन की बात का क्लियर किया है, और क्योंकि हम लोग पहले भी ये बात कर चुके हैं कि जो यंग जनरेशन है उनको हमें सुनना चाहिए, उनकी बात को फॉलो करना चाहिए, तो जिस दिन हमने ये बात रख ली तो मेरे ख्याल में हमारा जो यंग जनरेशन है वो बहुत अच्छे से काम कर रहा है, उसको थोड़ी सी सपोर्ट चाहिए, इसीलिए हम लोग शुरू डायरेक्शन से बिल्कुल जी हमारे यहाँ पे जो हमारी संस्था है सर्व अकाल म्यूजिक सोसाइटी ऑफ कैलगरी, हमारी संस्था में बहुत सारे बच्चे काम करते हैं, और शुरू से जितने भी वॉलंटियर जुड़े हुए इसके साथ, और उनका बहुत बड़ा योगदान रहता है कि हम लोग जो ICMF करते हैं यहाँ पे फेस्टिवल करते हैं, तो उस फेस्टिवल में हमेशा से बड़े बड़े अच्छे नौजवान बच्चों को शुरू से यहाँ तक ये भी रहा, अगर हमारे सोसाइटी के मेंबर अगर इस साल 4 मैन है 3 वुमेन्स है, तो नेक्स्ट ईयर उल्टा होता है, इस तरीके से 50-50, मतलब या अगर 50 आर्टिस्ट लेडीज आई हैं तो 50 ही जेंट्स आएंगे, अगर इस तरीके से चला है, अगर एक तरफ बुजुर्ग आर्टिस्ट आए हैं तो दूसरी तरफ हमारे यंग आर्टिस्ट आए हैं, तो एक ही स्टेज पे बिल्कुल हमने इस तरीके से रखा है, और एक साथ में आप हैरान होंगे कि एक हर प्रोग्राम में हमने नहीं बनाया, प्रोग्राम ऐसे बनता है कि फेस्टिवल में एक तरफ एक ही स्टेज पे, वो बाद में पता चलता है यार ये कैसे हो गया, एक तरफ एक सरदार जी बैठे तबला बजा रहे हैं, दूसरी तरफ एक खान साहब बैठे सरंगी बजा रहे हैं, तीसरी तरफ पीछे को बैठा है क्रिश्चियन तानपुरा छेड़ रहा है, और जो गा रहा है वो किसी दूसरे मजहब से है, तो बाद में जब हमने सोचा और एक दो बार एक कई सज्जनों ने ये बात कही कि ये प्रोग्राम आपने इस तरीके से बनाया था कि हिंदू मुस्लिम सिख ईसाई, मैं कह हमें तो पता नहीं, कह
कहते ये कॉन्सेप्ट आपका सामने रखा हुआ है, तो बिल्कुल मैम सर, बिल्कुल ये नॉर्मल भी की सक्सेस जी वो दिख इस भी रही है सर, वो असर आप लोग कर रहे हैं और बहुत नायाब जी तरीके से आप लोग बहुत सक्सेसफुल। मैं यही चाहूंगा कि जब जल्दी ये सब जो भी ये गम की बजरा जो छाई हुई है ये जल्दी छटे जी जी और जी जी हम जरूर कैलगरी आके बहुत, मतलब मेरा तो बहुत मन है कि जी बिल्कुल खूब, मैं मेरे से जो सपोर्ट होगा वो मैं बिल्कुल अपनी तरफ से मैं बिल्कुल, करूंगा। बिल्कुल सर, भगवान भगवान कृपा करे जी। और हमारे साथ हमारे भाई साहब दलजीत सिंह गावरी जी जुड़े हुए हैं, बहुत बहुत शुक्रिया यूके से, और बहुत बहुत बिल्कुल धन्यवाद। यूके की धरती पे हमारे जो नौजवान आर्टिस्ट हैं उन्होंने बहुत कमाल का काम किया है, और वहाँ का एक हमारा फेस्टिवल है जो इंडियन क्लासिकल म्यूजिक का दरबार फेस्टिवल, वो भी अपने आप में बहुत ही नामी गिरामी फेस्टिवल बहुत है, एक और बहुत बड़ा अच्छे मूवमेंट से लेके आए सर, बहुत बड़ा जी ये बहुत बड़ा एकदम बहुत जी। तो हमारे संदीप विवृति साहब जिनको मेरे जैसे भी फॉलो करके करते करते सेवा कर रहे हैं, तो बहुत ही अच्छे से काम किया, और हम लोग मेरे ख्याल में टाइम काफी हो चुका है, तो मैं अपना जाते जाते हमने प्रोग्राम भी सुनना है लाइव परफॉर्मेंस, श्री हमारे विक्रम श्रीवास्तव जी जो आज परफॉर्मेंस देंगे आपके लिए, तो उस चीज को भी हमने आनंदमय टाइम बनाना है। तो आपको रिक्वेस्ट भी है कि जैसे हम लोग रोज कहते हैं कि अपनी चाय पानी का इंतजाम कीजिए, चाय का प्याला साथ में रखिए, और बड़े मजे से परफॉर्मेंस को सुनिए, और साथ में जो क्लैपिंग की बात है वो है आपके कमेंट, आपके लाइक, आपके शेयर, जितना बिल्कुल प्यार बिल्कुल देंगे किसी आर्टिस्ट को, तो बात फिर वही आ जाती है कि आप एक भी शब्द किसी आर्टिस्ट के लिए अच्छा लिख दोगे तो मुझे लगता है कि उसके मन में एक श्रद्धा आएगी, और प्रैक्टिस करने का मूड बनेगा, और प्रैक्टिस करने का दिल करेगा। तो इन आपके सहयोग से अगर हम लोग यहाँ पे बैठे कुछ कर रहे हैं, तो हमें आपके सहयोग की बहुत ज्यादा जरूरत है, क्योंकि हमारा एक प्रोग्राम है क्लासिकल म्यूजिक का, तो 99 प्रोग्राम दूसरे चल रहे हैं। तो अगर हम लोग आप लोग भी चाहते हैं कि हमारा ये क्लासिकल म्यूजिक का प्रचार प्रसार ऐसे ही चलता रहे, तो फिर पूरी सपोर्ट आपकी जरूर चाहिए, और ऐसी तरीके से अच्छा। हमने सर्वकाल म्यूजिक सोसाइटी ऑफ कैलगरी की तरफ से हमने पहले भी बताया था कि जो हमारी सैमसंग फोन के ऊपर ऐप आ चुकी है सर्वकाल लाइव की, तो अभी थोड़ा सा उसका नाम क्या चेंज होके नेक्स्ट वीक से आई थिंक 2-4 दिन में उसका नाम हमने फिर वापस सर्वकाल टीवी यूट्यूब चैनल रखा है, तो वो ऐप आपकी सेवा में हाजिर रहेगी। पूरे का पूरा जो प्रोग्राम हर रोज आता है आप ऐप पे देख सकते हैं, तो पूरा का पूरा जो फेस्टिवल आ रहा है वो ऐप पे देख सकते हैं। तो हमें इस चीज की सपोर्ट चाहिए कि जो मनी है पैसा है ये तो चलता रहेगा, मैं इस चीज पे बिलीव ही नहीं करता, ना आज किया है, ना आज से 10 साल पहले किया था, ना आज से 10 साल पहले मेरे पास पैसे थे, ना आज हैं। प्रोग्राम कैसे हो रहा जी है ये मुझे नहीं पता, ना ही हमारी टीम को पता है, हमारी टीम के सब लोग भी ये सोचते हैं कि ये कैसे हो जाता जी है, कहाँ से क्या हो जाता है, हमें कुछ नहीं पता, वो वाहिगुरु करता है, भगवान करता है, अल्लाह करता है, कैसे करता है। तो हमें ये चीज चाहिए कि मिलजुल कर हम लोग ऐसे प्रोग्रामों को सपोर्ट करें। प्रोग्राम सारे देखिए, जी सारे प्रोग्राम अच्छे हैं, कोई प्रोग्राम बुरा नहीं है, बॉलीवुड भी अच्छा है, फोक भी अच्छा है, जी सारी सर, चीज अच्छी अपनी है, जड़ी बिल्कुल। मैंने मानता है बिल्कुल सर। तो हम लोग विक्रम जी आप जाते जाते हमारे इस प्रोग्राम के लिए, और हम लोग अपना आपका सुझाव हो हमारे को तो वो भी आप दे सकते हैं कि हम लोग इसको अच्छा बनाने में और क्या कर सकते हैं, जो भी आपके दिल में हो बच्चों के लिए कुछ ऐसा मैसेज दीजिए, ताकि आज बातें म्यूजिक की हमारी कम हुई है, एक्सपीरियंस की ज्यादा हुई है, और ये भी बातें हमारे ही काम आएंगी आगे जाके। तो बिल्कुल आपके सर, दिल में आप क्या कहना चाहेंगे इसके बारे में? सर ये एक बहुत ही अच्छा आप लोगों ने बीड़ा उठाया है और मेरे पास शब्द कम हो गए हैं, मतलब मेरे पास मैं एक्सप्रेस नहीं कर पा बिल्कुल रहा हूँ कि बहुत अच्छा आप लोगों ने ये काम किया है। दरबार फेस्टिवल का जिक्र हुआ, आप लोग जो कर रहे हैं सर्वकाल म्यूजिक सोसाइटी ऑफ कैलगरी का, ये इस तरह के मूवमेंट्स होने चाहिए जहाँ कलाकार की बात हो और कला जी की और संगीत की आराधना कैसे और अच्छे और आगे कैसे इसको लोगों तक पहुंचाया जाए।
जी और जी आपने सर जैसे बात करी कि कैसे कार्यक्रम होगा क्या होगा, तो एक मुझे किस्सा याद आता है। जी आपने इस्कॉन फाउंडेशन का नाम जरूर सुना होगा सर, जी इस्कॉन मंदिर का, जी जी हाँ जी हाँ तो जी उसके जो हमारे जी भी है बिल्कुल यहाँ पे जी। बिल्कुल, मैंने तो उसके मैंने जो तबला बजाया फाउंडर बहुत थे बार श्रीमद, अरे सर क्या बात है, तो उसके जो जी इस्कॉन फाउंडेशन के जो जो फाउंडर थे श्रीला प्रभुपाद जी, तो जी उनकी एक लाइफ में पढ़ रहा था और उससे मैंने ये सीखा कि उन्होंने बहुत ही क्लियर वर्ड्स में कहा कि जानता हूं कि मैं अकेला कुछ नहीं कर सकता, लेकिन इसका मतलब ये तो नहीं है कि मैं कुछ नहीं कर सकता, क्या मैं बात है, कुछ कुछ भी कर लूंगा और कुछ कुछ करके मैं सब कुछ भी कर लूंगा। तो क्या यही बात मेरा मैसेज है सब बच्चों को, सब यंगस्टर्स को, और है मैं भी अभी यंग हूँ सर, लेकिन हाँ जी जो आगे आगे अपना फ्यूचर देखना चाहते हैं इस लाइन में, मैं जी उनको यही कहना चाहता हूँ कि इसी सोच के साथ आप बस डटे रहिए, कोई भी आपको किसी के उस पे, आप सिर्फ अपने गुरु की सुनिए, और जो आपके पेरेंट्स जो आपके या वेल विशर्स जो आपके कह रहे हैं कि जी जी यहाँ काम करना है, यहाँ ये करना है, या ऐसे करना है वैसे करना है, तो उस पे ज्यादा ध्यान दीजिए और फालतू डिस्ट्रैक्शन से दूर रहिए, जैसे कि कंपटीशन का मैंने आपको बताया। जी हाँ रियलिटी शो एक डिफरेंट चीज है, रियलिटी शो की मैं यहाँ बात नहीं करूंगा, वो एक लीग एक अलग है, क्योंकि वो थोड़ा अलग चीज है, तो वो जब थोड़ा सा जब आप आपको सब कुछ चाहिए होता है देन यू गो फॉर दैट ऑल्सो, तो वो जी एक अलग चैप्टर है। लेकिन जो ये लोकल कॉम्पिटिशन है सिर्फ गवर्नमेंट के जो आप हैं, मैं खासतौर से सर बार बार मैं इसलिए रिपीट कर रहा हूँ जी क्योंकि बोलो उनको जी एक बार क्लियर हो जाए, या क्योंकि आपको वो चीज ही आपको आगे जो है आपको आपका तय करेगी कि आपको कितना और क्या करना है, सही बात ये एक कंपटीशन डिसाइड नहीं करेगा सिर्फ। हाँ गवर्नमेंट जैसे AIR का ग्रेडेशन है, म्यूजिक कंपटीशन है, जी या CCRT के जो प्रोग्राम्स चलते हैं आप उसमें पार्टिसिपेट करिए, वो ज्यादा इंपॉर्टेंट है, या कोई भी किसी भी कंट्री गवर्नमेंट का कोई कल्चरल एसोसिएशन हो आप उससे, जी मैं मतलब पेरेंट्स को ये मैसेज देना चाहूंगा कि उससे अपने बच्चों को जोड़े, और बच्चों को भी ये कहूंगा कि पेरेंट्स पर डिपेंडेंट मत रहिए, खुद अवेयर रहिए, क्योंकि बिल्कुल आप तभी कर पाएंगे जब आपकी सिक्स सेंस काम करेगी कि अच्छा मैं देख लेता हूँ कि आज क्या हो रहा है। तो क्या बात यही सर मैं मैसेज देना चाहूंगा कि मैं सब कुछ तो नहीं कर सकता, लेकिन सब कुछ का मतलब ये नहीं कि मैं कुछ नहीं कर सकता, और मैं कुछ क्या कुछ बात कर क्या लूंगा तो मैं कुछ भी कर लूंगा। तो बात आज ये लो स्केल पे जिस तरह से स्पॉन आगे बढ़ा है, तो मेरा भी यही दुआ है कि भगवान से मतलब रब से कि भाई सर्व अकाल भी इसी तरह बहुत आगे नाम करे बिल्कुल और पक्का खूब सब्सक्राइबर्स बढ़े, खूब बेल आइकॉन्स दबे और खूब ये शेयर हो, जी और बहुत मेरी गुड विशेस हैं सर्व अकाल म्यूजिक सोसाइटी के लिए, बहुत और बस मैं यही कहना चाहूंगा सर। और क्या बात, ठीक है जी। बहुत बहुत जी शुक्रिया जी, बहुत बहुत धन्यवाद विक्रम श्रीवास्तव जी, जो कि म्यूजिक के साथ इंडियन क्लासिकल वोकल को लेके वो चले हैं। तो हम सारे उम्मीद करते हैं कि ये जो उन्होंने अपनी जिंदगी को एक बहुत ही सच्चे सुच्चे मार्ग पे चलाया है, उनका भी जीवन इसी तरह अच्छे से अच्छा बनता जाए, अपनी मंजिल की तरफ बढ़ते जाएं। तो वो मंजिल जो है वो भगवान, एक बाबा जी का ही शब्द है अपना गुरबानी में, तो वो भी यही बात कहते हैं कि जब आप लोग चलते जाएंगे तो अपने एक गोल है बिल्कुल जो हमारी सर जिंदगी का, वहां तक पहुंच जाएंगे। दिन रावत चले नेस सस चले, तार का लख पलोए, मुकाम ओही एक है नान का सच भुगोए। क्योंकि हमें अपनी मंजिल के पास पहुंचना है, मंजिल तक पहुंचना है, गोल हमें जरूर बनाना है जिंदगी का। ये नहीं बस ठीक है हम लोग आए तो चले गए, नहीं, एक ऐसी जगह, एक ऐसा जी सर मार्ग, एक ऐसा गोल, एक ऐसी मंजिल तय करनी है तो जिसको पार करना है। बड़ी खुशी की बात है कि हमारे साथ जहाँ पे श्री विक्रम श्रीवास्तव जी जुड़े रहे, उनके माता पिता का भी थैंक्स करेंगे इस प्रोग्राम में कि उनकी वजह से एक हमें बड़ा प्यारा आर्टिस्ट, उन बड़े प्यारे विचार वाला आर्टिस्ट मिला है, उनसे अच्छी बातचीत हुई जी और बहुत अच्छे से ऐसे ही चलता रहे। और बड़ी खुशी की बात है जहाँ पे हमारे साथ पारस खुल्लर जी, रंजीत गाबरी साहब यूके से, विजय राम जी, राहुल सिंह जी और दलजीत गाबरी साहब, ज्योति जोशी बहन, बहुत सारे सज्जन जुड़े हुए हैं। वहीं हमारे साथ हमारे ही बहुत प्यारी शख्सियत, हमारे बड़े भाई साहब राकेश दादा जी जुड़े हैं हमारे साथ, उनका बहुत बहुत धन्यवाद।
आपका आशीर्वाद दादाजी, आप अपना आशीर्वाद दें। कल ही आपको याद कर रहे थे मैं और मलि साहब कि दादाजी को एक रिक्वेस्ट करनी है, अगर वो हमारी बात रिक्वेस्ट मान लेंगे तो। मलि साहब हंस रहे थे, कहते कि कोई बात नहीं, हमारे बड़े भाई साहब हैं, उनको तो रिक्वेस्ट कर ही लेंगे। तो हम बड़ी उम्मीद है कि आप हमारी रिक्वेस्ट मानेंगे। राकेश दादाजी हमारे, जो आप जानते हैं कि पंजाब में एक प्रोग्राम होता है बाबा श्री बाबा हरवल्लभ संगीत सम्मेलन, जी तो जी उस सम्मेलन का जो पूरा इतिहास है 143 ईयर का, अभी तो 145 साल जी हो गए, लेकिन एक सौ हंड्रेड जी फोर्टी थ्री ईयर का जो इतिहास है, हिस्ट्री थी, वो दादाजी ने एक बुक के रूप में हमारे सामने लेके आए हैं, हमारे सबकी झोली में डाली है। इतना प्यारा दादाजी, मैं कह नहीं सकता आपको, जितने भी लोग मेरे पास आते, क्योंकि मेरे पास वो किताब रखी हुई है, जब मैं लोगों को दिखाता हूँ ना कि ये हमारे संगीत का इतिहास है, सच में लोग उस किताब को अपने माथे से लगाते हैं कि 143 साल का इतिहास उस किताब में है। मैं सबको रिक्वेस्ट करूंगा कि अगर आपके पास संगीत को आप प्यार करते हैं, संगीत के प्रति श्रद्धा रखते हैं, तो इस किताब को जरूर पता कीजिए कहाँ से मिलेगी, या मैं हम भी सर्वकाल के म्यूजिक सेटिव कैलरी के फेसबुक पेज पे या हमारी वेबसाइट पे इस चीज को फिर दोबारा से डालेंगे कि आपको पता चले। ये इतिहास हमारे हर घर में होना चाहिए, जो संगीत करते हैं खास तौर पे, उनके पास तो ये किताब होनी चाहिए। इतना कमाल का इतिहास भी आपके सामने प्रूफ के साथ, जैसे हम लोग पहले सुनते थे कि उस्ताद सलामत अली, नजाकत अली साहब और बड़े बड़े उस्ताद लोग हरबल संगीत सम्मेलन में आए, उन्होंने गाया बजाया, वो किताब सामने रखी है आपकी हिस्ट्री, ये देखो इनकी पिक्चरें देखो, ये देखो ये पूरा इतिहास कैसे आए, कैसे बातचीत क्या हुई बात है, जी। दादाजी ने लिखा है कि अमेजोन इन इंडिया पे ये किताब अवेलेबल है, अगर कोई भी इस किताब को लेना चाहे तो जरूर ले। मेरे ख्याल में अगर किताब जितनी भी महंगी हो, तो मुझे लगता है कि आप सब लोग खरीदेंगे, क्योंकि पीछे एक ना कि किसी ने पोस्ट डाली थी सोशल मीडिया पे, विक्रम जी आज जुड़े हुए हैं तो पता नहीं कहाँ से ये बातें निकल के आ रही हैं, कि उन्होंने कहा था कि हम लोग एक जूता खरीदने के लिए तो शोरूम में जाते हैं, तो लेकिन हमारी बुक्स हैं हाँ बेचारी रोड पे बिकती हैं। तो इस चीज की, इस प्रथा को बदलना है, इस प्रथा को बदलना है कि हमारी जो बुक्स हैं, हमारे घर का श्रृंगार होनी चाहिए। बिल्कुल हमारे घर में बेशक सोशल मीडिया डिजिटल हो गया, सब कुछ हो गया, बहुत अच्छी बात है, होना भी चाहिए, आगे भी तरक्की करनी चाहिए, ये किताब भी डिजिटल का रूप ले लेना चाहिए, लेकिन जो आपके सामने आपके हाथ में जो चीज है, वो एक बहुत बड़ा इतिहास है। और राकेश दादाजी ने लिखा है कि ये किताब अवेलेबल ऑन अमेजोन इन इंडिया, तो आप सब लोग इस चीज को नोट करें, तो आपको भी पता चलेगा जी कि कितना बड़ा इतिहास है हमारे संगीत का, कैसे कैसे लोग उस हरवल संगीत सम्मेलन में आते हैं, गाते रहे, बजाते रहे, और बहुत बड़ा प्यारा इतिहास है। और मुझे ये किताब, जब भी मैं दर्शन करता हूं, तो मुझे ऐसे लगता है कि मैंने श्री गुरु ग्रंथ साहब महाराज जी को, जैसे मैं दिल से सुबह सुबह, क्योंकि जहां मैं बैठा हूं हमारे घर के ऊपर ही हमारे बाबा जी का प्रकाश करते हैं हम लोग सुबह शाम, तो मैं, मुझे ऐसे लगता है ये किताब के दर्शन करके भी मुझे वही आनंद, वही कृपा मेरे ऊपर बरस रही है। तो आप लोग भी इस किताब जी को अपने हृदय में बसाएं, अपने घर पे रखें, तो हमारे घर का श्रृंगार बने ऐसी पुस्तकें, ताकि हमारे जो बच्चे हैं आने वाले टाइम में और अच्छे से काम कर सकें और अच्छे संगीत के साथ जुड़ सकें। अभी श्री विक्रम श्रीवास्तव जी का जो परफॉर्मेंस है, हमें बस 5-7 मिनट 10 मिनट दीजिए, मैंने सब कुछ ये खत्म करके तो आपके सामने परफॉर्मेंस आएगी, तो मैं चाहूंगा कि विक्रम जी भी कुछ कहना चाहते हैं जी, तो प्लीज। मैं आखिरी में फिर, अब क्योंकि हम सब अब विदा लेंगे जी और सब जल्दी सब कुछ ठीक हो, और मैं सर आपका स्पेशली और पूरी टीम सर्वकाल जो ये काम कर रही है फाउंडेशन, ये बहुत ही एक नायाब काम है, और जो मेरे साथ जो कोऑर्डिनेट किया जिन्होंने, गुरविंदर सिंह जी गुरुदर्शन हैं जी, और बिल्कुल जी भूपेंद्र सिंह माली जी हैं और जी आप हैं सर स्पेशली, तो बहुत सर मजा आया मुझे, और तो ये मैं जुड़ चुका हूँ तो अब ये कारवा ऐसे ही चलता रहे, तो
बिल्कुल जरूर, दुआ और कृपा रखिए। बिल्कुल बहुत मेरी ब्लेसिंग्स हैं सर, मतलब सर सर्वकाल के लिए मैं मेरी गुड विशेज हैं, और बहुत ही अच्छा लगेगा सर, क्योंकि अब वही है कि बस जल्दी अब मिलें, अब बहुत ज्यादा, क्योंकि अब घर बैठा नहीं जा बिल्कुल रहा है बात बोल जी, तो भगवान कृपा करे। बिल्कुल बिल्कुल जी, बिल्कुल भगवान की कृपा रहेगी, और बहुत जल्दी हमारा एक इंडिया में भी, क्योंकि इस बार का जो फेस्टिवल है वो सारा इंडिया से सेटिंग होके सारा होगा, और और दूसरे जी सर, मैं चाहूंगा जयपुर में भी आके ये अपना शुरुआत जयपुर से करें, गुलाबी नगरी बिल्कुल से करें, बिल्कुल करेंगे जी। और तो तो भगवान बहुत कृपा जी, ही मजा आएगा सर, बहुत आपको, बिल्कुल बिल्कुल और गुरु बिल्कुल जी भी यहाँ पे हैं तो गुरु जी से भी आप रूबरू होंगे सर, तो बिल्कुल बिल्कुल जी, बिल्कुल बहुत जो जी, थैंक यू वेरी मच जी। सर्वकाल से कार्य कर रहे हैं वो करता रहे, और मेरी बहुत दुआएं हैं सर्वकाल को, और जी इसी के साथ जरूर मैं आप कृपा, सभी का आशीर्वाद लूंगा जी, जी बिल्कुल सर। भगवान कृपा रखे जी। बहुत बहुत धन्यवाद, बहुत बहुत शुक्रिया हमारे उन सभी जो इस प्रोग्राम को सपोर्ट करते हैं। हमारे कुछ दो तीन ऐसे सज्जन हैं जो हमारे को सारा साल सपोर्ट करते हैं ताकि ये प्रोग्राम आपके सामने हम लोग लेके आ सकें। भगवान की कृपा रहेगी तो ये ऐसे ही चलता रहेगा, आशीर्वाद रहेगा, भगवान का आशीर्वाद, गुरु का, गुरु की कृपा। हम सब मिलजुल कर ऐसे सेवा करेंगे। बहुत सारी गलतियां हुई होंगी आज के इस प्रोग्राम में, वो गलतियां हरजीत सिंह की झोली में डालिए, और जो अच्छी अच्छी बातें विक्रम जी ने कही है उनको आशीर्वाद दीजिए ताकि वो बहुत अच्छे आर्टिस्ट बन के संगीत को आगे लेके जाए, संगीत वो संगीत को आगे लेके जाए, संगीत उनको आगे लेके जाए, तो इकट्ठे ही ये कारवां बिल्कुल चलता रहे, भगवान की कृपा रहे। बहुत बहुत धन्यवाद, मिलते हैं 5 मिनट की ब्रेक के बाद दोबारा से सर्वकाल म्यूजिक सोसाइटी ऑफ कैलगरी के फेसबुक पेज से, जहां से आपको बहुत प्यारा वोकल सुनने को मिलेगा। बस ऐसे बने रहिए, बहुत बहुत शुक्रिया, बहुत बहुत धन्यवाद। धन्यवाद जी।